कसी रुधिरासना जिज्ञासया के असाधि। शिक्षा देते हैं, कारण ही नहीं कि ये पुतना तो अंदर में सारे दुर्गुण था, कोई भी अच्छे गुण नहीं। पहला नंबर पुतना मतलब जो पवित्र नहीं, दूसरा नंबर राक्षसी, तीसरा नंबर बच्चों को खून पीती थी, और चौथा नंबर ठाकुर के लिए जहर लेकर के आई थी। उसकी अंदर में इतने दुर्गुण हैं, लेकिन देखो हमारे जो कृष्ण कितने दयालु हैं। कहते गुना अवगुना प्रभु देखो ना कहूँ, ठाकुर जी किसकी अवगुण का प्रति नज़र नहीं देते हैं, उसकी सद्गुण को ठाकुर जी देखते हैं। कहते उसका अंदर में सद्गुण क्या था, बोले सद्गुण इतना मात्र था जब उसने कृष्ण को गोद में उठाए, बोले मैया जसुदे इतने सुंदर लाला को थोड़ी पलने में झुलाते हैं, उसको मतलब गोद में लेकर के प्यार करनी चाहिए। कहते एक सेकंड के लिए उनने माँ की भाव से देख लिया, अपना बेटे के भाव से देखा, इसलिए ठाकुर जी कहाँ भेज दिया, गोलोक वृंदावन। कहाँ भेज दिया, गोलोक वृंदावन, बोलो वृंदावन भैया लाल की। तब यहाँ पर कहते हैं अगर इतने बड़े ठाकुर भेज सकते हैं, अगर कोई ठाकुर जी के पास में तो अपवित्र थी, अगर कोई अच्छे कपड़े पहन करके ठाकुर के पास में आ जाए, जैसे आप लोग अच्छे अच्छे सब कपड़े पहन करके आ गए, अगर कोई अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके आ जाए तो ठाकुर उसको क्या नहीं देंगे। वो ठाकुर के लिए जहर लेकर के आई थी, ठाकुर उसको गोलोक वृंदावन ले लिया। अगर ठाकुर के पास में कोई आए, जैसे आप लोग कोई बताशा लाते हो, कोई फल लाते हो, कोई फूल लाते हो, और आज गिरिराज पूजा के लिए तो बहुत कुछ लेकर के आए लेता है, फिर ठाकुर जी क्या तुम्हें नहीं देंगे हैं। और तीसरा कहते हैं वो थी राक्षसी, तभी ठाकुर गोलोक वृंदावन भेजे। अगर कोई साधारण कोई इंसान आ जाए, नहीं तो उनको कोई प्यारे, उनको कोई प्यारे कोई भक्त आ जाए, फिर ठाकुर जी उसको क्या नहीं देंगे। इसलिए ठाकुर जी बड़े दयालु हैं, इसलिए पूजा कर तो किसको पूजा करो, कान्हा को पूजा करो। अगर किसी दूसरे देवा देवी को पूजा करोगे ना, अगर बीच में थोड़ी इधर उधर कुछ हो जाए तुम्हारी पूजा में, थोड़ी इधर उधर तुम्हारी पूजा में हो जाए तो लेना को देना पड़ जाएगा, क्योंकि जो दूसरे देवा देवी है तुम्हारी गुण को नहीं देखते, तुम्हारे दोष को देखते हैं, लेकिन जो कृष्ण हैं तुम्हारी दोष नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे, तुम्हारी गुण देखेंगे। बोले क्यों, इसके कारण को समझो। कहते जो कृष्ण है, कहते ना तुमैव माता च पिता तुमैव, जैसे बच्चा कभी माँ की अगर गोद में पेशाब ताती कर देता है, भैया बच्चे को फेंक देती हैं ना, साफ करती हैं, साफ करती हैं, उसी तरह जो कृष्ण है वो हमारी माँ, वो पिता है। अगर कुछ भक्ति करते हुए तुम्हारी कुछ गड़बड़ी हो जाएगी ना, ठाकुर जी तुमको फेंक नहीं देंगे, क्योंकि हम उनकी बच्चे हैं, हम उनके बच्चे हैं, इसलिए हमको फेंकेंगे नहीं वो। अगर दोष भी होगा ना, ठाकुर जी माफ़ कर देंगे, लेकिन जो दूसरे दूसरे जो देवा देवी है ना, थोड़ी सी अगर इधर उधर होगी फिर छोड़ेंगे नहीं तुमको, फिर उसको दंड देंगे, तुमको छोड़ेंगे नहीं, लेकिन कृष्ण कभी ऐसे नहीं करेंगे। इसलिए भक्ति करना तो कहते किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मनि। जब पुतना को इतने बड़े भक्ति दे सकते हैं, अगर कोई भक्त उनको पास में भक्ति पूर्वक आए, फिर तो कृष्ण उसको क्या नहीं देंगे। इसलिए बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, जय जय श्री राधे। कहते श्री नंद बाबा बहुत दिन से कंस को उन्होंने कर नहीं दिया, कंस को उसने ये बच्चे को ना इसको बैठे से करना है, इसलिए कंस को बड़े दिन से उन्होंने कर नहीं दिया। बोले क्यों नहीं दिया, कहते उन्होंने देखा घर में कोई बेटा है ही नहीं, कहते पिता माता किसके लिए संचय करते, किसके लिए दुकान वकान बनाते बेटे के लिए, कहते हम तो बूढ़े बूढ़े हो गए, शरीर छूट जाएगा, कोई तो संतान है ही नहीं, तो किसके लिए कमाई करे, किसके लिए पैसा जमा करे। लेकिन जो मैया जसोदा की एक लाला कृष्ण हो गए, पिताजी के मन में माँ जी के मन में कितने कितने हिल्लड़ उठने लग गई, बेटा बड़ा होएगा, बड़ा होने पर घर में बहू आएगी, फिर बहू छमछम करके नूपुर पहन कर घर घर में घूमेंगी, फिर नाती पोती होएंगे, फिर पापा पापा दादा दादा बोलेंगे, इनकी मन में कितने कितने बड़ी बड़ी आशाएं होने लग गई।
देखिए ये कंस बड़ा दुष्ट है, इसलिए सबसे पहले ये कंस का मुंह बंद करो। इसलिए श्री नंद बाबा ने क्या किया, उसको कंस को कर देने के लिए गए। जब कर देने के लिए गए, वसुदेव से मिले। वसुदेव अपना भैया लगते हैं। वसुदेव देखो इधर, वसुदेव से जो वंश आया ना, ये जदुवंश आया है, और नंद बाबा से ये गुजर आए हैं। ये गुजर और जो जदुवंश, वो एक ही भाई लगते हैं, वो एक ही लगते हैं। लेकिन हमने सुना आपस में बड़ी झगड़ा जी की होती है, झगड़ा नहीं करनी चाहिए, सबके सब एक पिताजी की ही संतान है, ठीक है ना। इसलिए अभी नंद बाबा से मिले कौन, वसुदेव महाराज। अभी वसुदेव महाराज गुप्तचर से संवाद ले रहे थे, अभी कंस का अकेली प्लानिंग किया है, पता चला उसने पूतना को भेज दिया। इतने में नंद बाबा से जब मिले ना वसुदेव, बोले नंद तुम ज्यादा समय यहाँ मत रहा करो, जल्दी जल्दी चला जा गोकुल में। बोले क्यों, बोले कोई अनहोनी हो सकता है। उनको पता चला ना पूतना को भेज दिया, और बोले एक महीना के अंदर में कोई भी बच्चा होगा उसको मार देना। इतने में नंद बाबा भगवान नारायण को स्मरण करते करते आ रहे, बोले हे नारायण, ये बूढ़े उम्र में तुमने मेरे को एक लाला दियो है, ये लाला को तू ही देख सकते हो। उन्होंने नारायण नारायण करते करते आ रहे थे, हठात उन्होंने देखा ये पुतना मरी पड़ी हुई। बोले ये कैसे हो गया, बोले ये पुतना आ गई थी बड़ी सुंदरी ठंड बन करके, और ये तो लाला को उठाकर ले गई थी, किसी तरह से उसके कहीं ठोकर लग गया और वहीं पर गिर करके मर गई। इतने में बोले ये वसुदेव तो बहुत बड़ा ज्योतिषी सही बता रहा था हैं। इतने में बोले मैं था नहीं ना, इसलिए ये पुतना आ गई, अगर मैं रहता पुतना कहाँ से आ जाती। बोले देखो खबरदार, आज से एरे गेरे व्यक्तियों को अंदर में घुस नहीं पाए, बड़ी कड़ी पहरादार लगा दी। जब तक मेरे और मैया की आदेश नहीं होना, जैसे अंदर में कोई प्रवेश नहीं कर पाए, इतने कड़ी आदेश दे दिया। इतने में श्री भोले बाबा ने देखा, ठाकुर जी को तो हमने सारी लीला देखी, लेकिन ये बाल गोपाल लीला हमने दर्शन नहीं की। इसलिए शंकर जी बड़े सुंदर श्रृंगार करते हुए आए। बोले शंकर जी का नाम तो सत्यम शिवम, बोलो सत्यम शिवम सुंदरम, लेकिन शंकर जी को तो कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, लेकिन शंकर जी की जो ऊपर का जो बेस देखोगे ना, बड़ी भयानक है। फिर शंकर जी सुंदर कैसे हुए, इसलिए कहते हैं शंकर जी शरीर में क्या लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, बहुती कहाँ की शमशान के। बोले क्यों, शंकर जी गुरु है, शंकर जी आदि गुरु है, हैं शंकर जी शिक्षा देते हैं। देखो जिस शरीर में इतने क्रीम लगाते हो, जिस शरीर को तुम ब्यूटी पार्लर में लेकर के इतना सजाते हो, पता है इसका परिणाम क्या है। इसलिए शंकर जी कहाँ रहते हैं, शमशान की बहुती, वही शमशान के पास में बैठ जाते हैं और देखते हैं राम नाम सत्य करके कैसे एक एक को ले आते हैं और जला करके यहीं चले जाते हैं, हैं? इसलिए शंकर जी ये सब चीज को देख करके उनको शिक्षा मिलता है, भैया ये शरीर का परिणाम एक दिन दो मुठ्ठी राख है, इसलिए शमशान की राख को लगाते हैं और उसको याद करते करते स्मरण करते। बोले भैया ये शरीर को इतना प्रेम मत करो, ये शरीर शमशान तक जाएगा, जल करके एक मुठ्ठी राख होने वाले, अगर याद करो ना भगवान को याद करो। इसलिए शंकर जी पंचमुख राम नाम गान त्रिपुरा जी, शंकर जी पंचमुख में क्या करते हैं, एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए शंकर जी गुरु रूप में सबको शिक्षा देते हैं, भैया ठाकुर का नाम जप करो, यही नाम ही तेरे साथ में जाने वाले हैं। कहते शंकर जी के ऊपर में कौन सा फूल चढ़ता है, कोई बेली चमेली जुई, कहते जो पेड़ कोई नहीं लगाते, आकंद और भदुरा के एकदम जहरीले फूल हैं। बोले क्यों, सुंदर सुंदर फूल शंकर जी क्यों स्वीकार नहीं करते, कहते जितने सुंदर फूल है ना हमारे बांके बिहारी के लिए, कृष्ण के लिए, राम के लिए, मैं तो उनका सेवक हूँ, जंगल में अपने आप जो चीज़ हो जाता है जिसको कोई नहीं लगाते, मैं इसको धारण करूँगा। शंकर जी परम वैष्णव है, शंकर जी कोई सोने चांदी की कोई अलंकार नहीं पहनते हैं, शंकर जी के देखना गले में भी साफ, हाथों में भी साफ,
कमर में भी साफ, हर तरफ साफ ही साफ है। कभी ये साफ कौन है? कभी ये अनंत देव है। कभी ये अनंत देव कौन है? अनंत देव। कभी ये शंकर जी की ये गुरु श्री अनंत देव है। इसलिए दुनिया को शिक्षा देते हैं, अगर अलंकार रूप में धारण करना है ना, किस चीज को अलंकार रूप में धारण करोगे? बोले गुरु जी की उपदेश को अलंकार रूप में धारण करो। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए उपदेश रूप में गुरु जी की उपदेश ही जीवन में धारण करो, जिससे तुम्हारी बेड़ा पार हो जाएगी। इसलिए शंकर जी इनको जो सुंदर कहते हैं, इसलिए शंकर जी सुंदर हैं, उनके शरीर में जितने श्रृंगार है वो सारे श्रृंगार केवल भगवान को ही लक्ष्य करता है, केवल ठाकुर जी को ही वो लक्ष्य करता है श्रृंगार। इसलिए शंकर जी को सुंदर कहते हैं, शंकर जी को सुंदर शंकर जी को कहते हैं। लेकिन शंकर जी परम संत है, शंकर जी परम संत, ये शंकर जी। इसलिए जो संत है ना, वो क्या चाहते हैं? वो अपना को छुपाना चाहते हैं, अपना को छपवाना नहीं, अपने आप को छुपाना चाहते हैं शंकर जी। इसलिए शंकर जी ये सब चीज़ों को क्यों धारण करते हैं, कारण क्या? इसलिए शंकर जी कहाँ रहते हैं? देखो कैलाश में बर्फ गुबर रहते हैं, क्यों बर्फ में क्यों रहते हैं? बढ़िया जगह पर रहे ना, कारण है शंकर जी हर समय भजन करते हैं शंकर जी, इसलिए चाहते हैं मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करे, हैं, मैं भगवान की भजन में खूब मस्त रहूं, मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करे। इसलिए शंकर जी अपने आप को तो छुपाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन छुपा नहीं सकते। बोले क्यों नहीं छुपा सकते? कहते शंकर जी को पास में सबसे पवित्र वस्तु, बता सकते हो पवित्र वस्तु क्या है? बोले कौन? बोले हाथ उठा। जो कोई प्रश्न करता है ना, सब चिंता में बढ़ जाती है। क्या बोलो? बोला शंकर जी के पास में सबसे पवित्र वस्तु क्या? शंकर जी के पास में कौन? बोले हाथ उठा। बोला हाँ, कि माता के लिए ताली बजा। इसलिए शंकर जी को जटा में कौन है? बोले श्री गंगा देवी की। इसलिए उनके पास में सबसे पवित्र वस्तु थे गंगा देवी। इसलिए शंकर जी अपने आप, शंकर जी छुपा नहीं सके शंकर जी को, हैं? इसलिए शंकर जी बड़े सुंदर श्रृंगार करते हुए नंद भवन में अलख निरंजन, अलख निरंजन करते हुए वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पर एक ताशी थी, कड़ी पहरादार था। इतने में उन्होंने बोले, कहते मैंने सुना है नंदक एक लाला भयो है। तब वो जो द्वारपाल था बोले नंदक लाला भयो तो तेरे कहाँ भयो है? बोले लाला को थोड़ा दर्शन करा दो। बोले बाबा कुछ दिन पहले ये पुतना आ गई थी, और जो पुतना ना बड़े बड़ी सुंदरी तक बन करके आई थी, लेकिन निकली ये राक्षसी। आप लोग मेरे तरफ में देखो, उधर मत देखा करो। कुछ कुछ माताएं हैं, जो कोई माता अगर कोई साड़ी पहन करके आई जाए ना, उसको तरफ में देखने लग जाती है, जैसे जिंदगी में कोई साड़ी नहीं पहनी। उधर मत देखा करो, साड़ी तो बहुत पहनी होगी, मेरे तरफ में देखो, उधर उधर मत देखा करो। देखो यहाँ नजर में, यहाँ पर बैठा हूँ ना, सबको मैं देख रहा हूँ, कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, कथा में मन लगा, इधर उधर मत देखा करो। इसलिए श्री शंकर जी सब ठाकुर जी को बोले, भैया लाला भाई तो तेरे कहाँ भयो है? बोले लाला को थोड़ा दर्शन करा दो, लाला को थोड़ा दर्शन करा दो। बोले कुछ दिन पहले पुतना आ गई थी, वो तो बड़ी सुंदर सज कर छत बन करके आई थी, लेकिन निकली तो राक्षस निकली, और तू तो देखने में बेस लग रही है, तेरे को देख कर तो मेरा जी धड़कड़ा है। ऐसे रूप धारण किए उनने, मैया को बोले मैया कहीं से एक बाबा आए हुए, वो कहता है लाला को दर्शन करा दे। मैया देख कर तो मेरा जी घबरा रहा है। इतने में मैया आई, बोले बाबा कहाँ बात है? बोले तेरे घर के मैं लाला भाई हूँ। बोले मेरे लाला भाई तो तेरे कहाँ भाई हो? बोले लाला को थोड़ा दर्शन कराते। बोले बाबा सोना चांदी जो कुछ भिक्षा लेना लो, अपना घर में जाओ, मेरे लाला को बड़े जल्दी नज़र लग जाती है, हैं? इसलिए लाला खाला को दर्शन नहीं होएगा। और कुछ दिन पहले पुतना आ गई थी, और तुम्हें लाला को उठा कर ले गई थी, किसी तरह से ठाकुर का कृपा से बच गया, लाला दर्शन नहीं होगा। शंकर जी सोच रहे हैं, बोले भैया काल का जो काल है,
जिनके एक भ्रुकुटी मात्र से ही ये अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड कांप उठते हैं, और जिनकी एक इशरा पर हैं करोड़ों करोड़ों विश्व ब्रह्मांड सृष्टि स्थिति प्रलय हो जाए। काल भी जिसकी भ्रुकुटी में एक बार देखे ना तेरी नजर से, काल भी थर 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 के कांपते हैं। और ये क्या कह रही है, जो इसको मेरे को देख कर डर जाएगा, इसको पता नहीं ये लाला कौन है, ये विश्व ब्रह्मांड का मालिक श्री कृष्ण कन्हैया। भैया लेकर के लाला को तो घर की कोड़े में छुपा दी, लेकिन शंकर जी बोले मेरे को दर्शन नहीं कराओगे, बोले नहीं, बोले जब तक दर्शन नहीं कराओगे ना मैं त्रिशूल गाड़ कर वहीं बैठता हूँ। बोले यहाँ बैठ राजा, यहाँ पर मेरे चार दरवाजा हैं, पीछे दरवाजे से निकाल लूंगी। बोले मेरे चार रूप हैं, चार रूप लेकर बैठ जाऊंगी। बोले मेरे 11 दरवाजा, बोले मेरा भी 11 रूप रहे। बोले 11 दरवाजे में मैं बैठ जाऊंगा, कहीं तभी तो लाला को निकालोगे, फिर दर्शन करूंगा। अरे मैया तो लाला को छुपा दी, और शंकर जी वहीं पर त्रिशूल गाड़ कर बैठ गए, और ठाकुर जी के नाम को जप करने लग गए। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय 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 राधारमण हरि गोविंद जय बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय बोल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय शंकर जी ठाकुर जी का कीर्तन करने लगे। लेकिन हमारे बांके बिहारी जो भक्त वत्सल हैं, तो ठाकुर जी इतने दूर से आए हुए, एक झलक दर्शन करा दे, इतने में कृष्ण रोना शुरू कर दिया। और मैया जितने जोर से थपथप लगाए ना, उतना जोर से लाला रोता है, सारा परिवार परेशानी हो गए। बोले लाला का जी कहा गयो, इसका रोना क्यों बंद नहीं होता है। एक गोपी ने कहा मैया वो जो बाबा आया ना, वो वहीं पर त्रिशूल गाड़ कर बैठ गया, आंख बंद करके, लगता है तेरे लाला पर कोई जादू बना कर रहा है। वो कहता है लाला को दर्शन नहीं कराऊंगा तो जाऊंगा नहीं। अरे मैया ने काले कपड़े से ओढ़ करके मोटी मोटी काजल लगा दी, काजल का बूंद लगा दी, और गले में काला धागा बांध कर दी, जैसे नजर नहीं लग जा, बड़ी कष्ट से लाल। बोले बाबा तू बड़ा अक्खड़ हो, ले लाला को दर्शन कर। जब उन्होंने एक झलक दर्शन कराया, एक कन्हैया तो रो रहे थे, खिलखिली करके हंसने लगे। शंकर जी हंस रहे थे, रोने लगे। मैया बोली बाबा कुछ जानता है, क्योंकि लाला का तो रोना लेकर के अपना हंसना दे दिया। अगर माताओं को पता चली बाबा कुछ हाथ देखना जानता, जब जाती थोड़ा ना माताएं घिर जाती। बोले बाबा मेरा हाथ देखने का, मेरा क्या होने वाले। हे माताएं सब घिर गई। बोले बाबा तेरे को कुछ जादू तो ना पता है कि नहीं। बोले हाँ। बोले मेरे लाला को बड़ी जल्दी नजर लग जाती है, तेरे पास में कोई है मंत्र तंत्र। बोले अगर एक काम करोगे ना लाला को नजर ही नहीं लगेगा। बोले बोल दो। बोले जब तेरे लाला को कोई चीज भोजन कराती हो, वो भोजन ला करके मेरे पास में देखना। बोले बाबा तो कर दूंगा। बोले और कुछ करना पड़ेगा। बोले लाला को जब स्नान कराते हो, उसका पानी ला करके मेरे सर पर डाल देना। भगवान स्नान करके ना क्या हो गया, चरणा मृत हो गया। इसलिए शंकर जी के ललाट में क्या है, शंकर जी के सर पर गंगा, वो गंगा कौन है, वामन देव का चरणा मृत है। अब देखना जो कांवर होते हैं ना लेकर के जाते हैं, गंगा पानी लेकर जाते हैं ना, गंगा पानी क्या है, ठाकुर जी की चरणा से निकली है। इसलिए शंकर जी अभी भी नंदगांव जाओगे, ठाकुर का जब स्नान कराते हैं, वो पानी सीधा शंकर जी के सर पर डालते हैं। ठाकुर जी का जब कोई चीज भोग लगता है, वो सीधा आएगा शंकर जी के पास में। शंकर जी पाने का बाद सबको मिलता है। देखो ध्यान देकर सुनो, एक अच्छी चीज को समझ करके जाओ। हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, लड्डू बनाते हैं हनुमान के लिए, और जाकर हनुमान के मुंह में ठोसते हैं, ले हनुमान खा ले। क्या हनुमान जी भूखे ना, शंकर जी भूखे तेरे खाने के लिए बैठे हुए हैं, भूखे नहीं है। इसलिए जब तक प्रभु राम की कोई चीज भोग नहीं लगी,
जब तक माता सीता कोई चीज ग्रहण नहीं करते हैं, करोड़ों मान अगर तुम लड्डू भी ले जाओगे ना, हनुमान देखेंगे नहीं इसको तरफ में। शंकर जी को, शंकर जी परम वैष्णव है, जितने चीज उनको भोग लगाओ वो देखेंगे नहीं इसको तरफ में। लेकिन कब शंकर जी भोजन करेंगे? तभी जब भगवान कृष्ण नहीं तो भगवान राम के भोग में लगाओगे। जब ठाकुर जी की प्रसाद होगा ना, फिर हनुमान का राम भोग खा पा लिए सीता जी, फिर हनुमान को देने का जरूरत वो लपक कर खा लेंगे। इसलिए नियम है कोई भी चीज, शंकर जी हो, दुर्गा जी हो, हनुमान जी हो, गणेश हो, जब तक कृष्ण को कोई चीज, राम को कोई चीज भोग नहीं लगेगा, वो चीज कोई भी 33 करोड़ देवता वो चीज को ग्रहण नहीं करते हैं। पहले ठाकुर जी को, कृष्ण को भोग लगाओ, फिर तो इंदिरा देवी को भोग लगाओ ना, बड़े खुश होकर खाते हैं, बड़े प्रसन्न होकर खाते हैं। इसलिए क्या करना, सबसे पहले शंकर जी को और हमारे हनुमान जी को कोई चीज पहले मत दिया करो, पहले ठाकुर को दो, ठीक है ना, उसको बाद में फिर हनुमान जी को दो, शंकर जी को दो, देवी को दो। देवी का एक नाम वैष्णवी, शंकर जी परम वैष्णव हैं, जैसे हम लोग वैष्णव है। जब तक ठाकुर को कोई चीज हम भोग नहीं लगाते हैं, कोई चीज को भी हम ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए पार्वती वैष्णवी है ना, एक वैष्णवी माता है, नाम सुने कि नहीं, शंकर जी परम वैष्णव है। जब तक ठाकुर को भोग नहीं लगता, ठाकुर जी शंकर कुछ नहीं लेते हैं, ठीक है। क्या करना है, पहले ठाकुर जी को भोग लगाना, फिर शंकर जी देवी जिसको भोग लगाना उसको भोग लगाना। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। बोले श्री भोले बाबा की जय, जय। अभी कृष्णा थोड़ी सी बड़े हो रहे हैं। बोले कितने बड़े हो गए? बोले 3 महीना के हो गए। अब देखना, बच्चा जब 3 महीना का होता है ना, करवट लेता है। मैया तो बड़ी खुश हो गई, मेरे लाला सर जी में ताकत आ गई होगी, इसलिए उन्होंने सारे ब्रज की गोपियों को घर में नौता दी, अपना आंगन को साफ सुथरा कर दी, इतने दूध दही लेकर के बैलगाड़ी के ऊपर रख दी और कान्हा को इसको स्नान करा के पहला दिन करवट लिया और उन्होंने लेकर के बैलगाड़ी को नीचे लेटा दी और गोपियों को नौता दे दी। बोले क्यों? बोले हमारे घर में आओ, मेरे लाला ने करवट लियो है, आज घर में कीर्तन होगी। इसलिए पहले क्या होता था, कोई भी घर में आप लोग देख लेना, शादी विवाह कोई भी अच्छी तिथि में माताएं ढोलकी मजरा लेकर कीर्तन करते थे। अगर कोई भी तुम्हारे घर में काम हो, अगर ठाकुर का कीर्तन का माध्यम से करो ना, देखना वो पर्व जरूर अच्छा होगा। हाँ, इसलिए कहते ना, मंगल भवन अमंगलहारी। सब गुफियाँ बैठी गई और आ करके बोले जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला। Yeah.
लाला की अभी सब गोपियां बैठ करके सब कृष्ण की भजन गा रहे थे। देखो ध्यान देकर सुनो, जहां पर भगवान का कीर्तन हो, भगवान की भजन हो, भगवान खुद कहते हैं मैं वहीं पर चला जाता हूँ, वहीं पर मैं रहता हूँ। अभी कृष्ण की जन्म उत्सव, कृष्ण कीर्तन हो रहा है, इतने में कृष्ण की नींद खुल गई। कृष्ण ने देखा भैया मेरे लिए हो रहा है सब कुछ, मेरा ये कीर्तन मेरे को कहाँ लेकर जाए, बैलगाड़ी के नीचे। अभी कृष्ण अपना कीर्तन का आनंद लेना चाहते, बोले भैया मैं तो इसीलिए बोलो कि वृंदावन से आया हूँ अपना कीर्तन का आनंद लेने के लिए, लेकिन मेरे को लेकर के दिया कहाँ पर, बैलगाड़ी के नीचे है। अभी कृष्ण आना चाहते हैं अपना कीर्तन में, लेकिन कृष्ण का उम्र कितना है बोलो, तुम लोग सुनते नहीं। इधर उधर मेडिकल लड़की माताएं माता ना बीच बीच जो बात करती रहती है, बैठे 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 कितना उम्र हो गया, तीन महीना हो गया है। अभी तीन महीना कितना छोटा बच्चा होता है उसको पता होगा। अभी गुठन पर भी कृष्ण को चलना नहीं आता है। अभी कृष्ण सोच रहे हैं आओ बोल के आए कैसे, तो बच्चे लोग कहते उनका बच्चों का बल किया बोले रोना, जब बच्चे रोने लग जाए ना फिर मैया गोद में उठा करके मेरे दूध पिलाती हूँ। कृष्ण सोचा अगर मैं जोर जोर से पूरा रो लूँ मैया मेरे को उठा करके ले जाएगी, इतने में कृष्ण जोर जोर से रोने लगते हैं। लेकिन मैया तो लेन देने में लगी हुई, कौन आया नहीं आया, कीर्तन हो रही थी, लेकिन कृष्ण रो रो कर थक गए। लेकिन मैया को कान में रोने की आवाज़ पड़ी नहीं, बोले इतना तो रो लिया कब तक रोऊंगा और है, इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं। लेकिन कृष्ण की एक इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति मतलब है अगर कृष्ण कुछ चाहते हैं ना उनकी जो जोग माया इच्छा शक्ति उनकी इच्छा को पूरी कर देती है। इतने में इच्छा शक्ति जोग माया कंस को प्रेरणा कर दिया, कंस ने एक तृणावर्त को भेज दिया, हाँ आंधी तूफान रूप में आ गया। इतने में कृष्ण कहते उन्होंने आ गया कि सकटासुर रूप में आ गया, कहते ये सकटासुर पूर्व जन्म में ये था हिरण्याक्ष का बेटा, इसका नाम था उत्कर्ष। एक दिन लोमर से ऋषि के आश्रम में प्रवेश करके सारे पेड़ पौधों को उसने एकदम तोड़ फोड़ दिया। ऋषि को बड़ा क्रोध आया, बोले ठाकुर जी इसलिए तेरे को इतने मोटे छोटे बनाए, ये संत ठाकुर की बाल को उजाड़ने के लिए तेरे को मैं अभिशाप देता हूँ, जिस शरीर में तेरे इतने अभिमान तेरे शरीर नहीं रहेगा। देखा उसका शरीर तो गायब होने लग गया, फिर ऋषि के चरण में गिर पड़े। संत दयालु होते हैं, बोले मेरे मुक्ति कैसे होएगा, बोले कृष्ण जब द्वापर युग में आएंगे फिर इनके चरण स्पर्श से तेरे को मुक्ति होगी। अभी उसने शरीर तो था नहीं, वो आ गया गोकुल में, देखा कृष्ण कहाँ पर, बोले बैलगाड़ी के नीचे उसने सवार हो गया। बोले धीरे 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 दबा दो ना, बोले कृष्ण पीस जाएंगे। इतने में कृष्ण ऊपर में देखा तो बोले मामा आ गए, कंस मामा उनको संबंध सब मामा लगते हैं, बोले मामा जरूर कुछ करेंगे। इतने में जब उसने बैलगाड़ी में सवार हो गया ना राक्षस, कृष्ण धीरे धीरे अपना चरण को उन्होंने चलाया और चलाते चलाते वैसे मारे ठोकर एकदम गाड़ी पलट गई, जितने दूध दही मक्खन सबके सब बिखर गया, सबसे सब जितने गोपियाँ कीर्तन कर रही थी बोले कोई आधी तूफान नहीं पलट तो पलट गए थे, सबके सब भागते भागते आए। मैया ने लाला को गोद में ले ली, लेकिन छोटे छोटे बच्चों ने इस सब चीज़ को देखा था, बच्चों ने कहा मैया मैया हम बोले कैसे कैसे पलट गया, बोले कैसे, बोले लाला के चरण के ठोकर से, बोले लगता है धान की गोला ज़्यादा खा ली, लाला अभी तीन महीना की और उसका चरण के ठोकर से गाड़ी पलट जाएगी, मैया का विश्वास नहीं हुआ। फिर मैया ने लेकर के फिर बीच में सुला दी, सुला करके बोले जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला, अखीर जल भी थोड़ी लाडू पुआ ठाकुर जी यहाँ पर शिक्षा क्या देते हैं, ठाकुर जी ये शिक्षा देते हैं जगत में सबसे बड़ा संपत्ति कृष्ण प्रेम है, भगवान से बड़े संपत्ति दुनिया में कुछ है नहीं,
बोले मैं रहते हुए मैया क्या कर रही है, मेरे को तो बैलगाड़ी मेरे को नीचे सुला दिया और घर का जितने सामान मेरे ऊपर लग दिया, मतलब घर गृहस्थी को तो कर दिया मुख्य और मेरे को कर दिया नीचा। और कीर्तन हो रहे हैं वहाँ पर, मेरे कीर्तन हो रहे हैं, मैया क्या किया मेरे कीर्तन से बाहर लेकर रख दिया है, मेरे को निकाल दिया। इसलिए कहते उत्सव कहते ना, जैसे कोई काम उत्सव, लेकिन उत्सव मतलब होता है जहाँ आनंद कीर्तन हो। लेकिन अगर भगवान को वहाँ से निकाल दिया, ऊत मतलब होते निकालना, अगर घर में कोई शादी विवाह उतना ही हो रहे हैं, बच्चे का बर्थडे, लेकिन हम क्या कहते हैं ठाकुर को वहाँ से अलग कर देते, मतलब क्या बच्चे का बर्थडे हुआ लेकिन ठाकुर के लिए कोई कपड़ा नहीं, नीचे बच्चे के लिए दस ड्रेस वो दे रहा है, नाना दे रहे, नानी दे रही, सारा दुनिया अपना बच्चे को ड्रेस, लेकिन कन्या बैठा हुआ एक कपड़ा पहन के दस दिन से बैठा हुआ, उसके लिए कुछ नहीं चिंता नहीं, चिंता किसके लिए, अपना बेटे के लिए। भगवान कहते हैं अगर मेरे को उत्सव से, फिर क्या करते हैं सारे यार दोस्तों को घर में बुलाएंगे और पता नहीं कितना बोतल तुड़वाएंगे, कितने बकरी कटवाएंगे, मुर्गा हट खिलाएंगे, फिर मैं ठाकुर जिसने दिया चुपचाप बैठा, कहते तो भैया दिया मैंने सब कुछ मेरा और मेरे प्रति कोई ध्यान नहीं। ठाकुर क्या कहते हैं, ऐसे लात मारूंगा ना, ऐसे ठोकर मारूंगा, सब तुम्हारी बर्बाद कर दूंगा। इसलिए घर में जो कुछ करो क्या करो, अपना लिए पहले मत देखा करो। जैसे कोई तिथि आती है ना, कौन सी तिथि में माताएं नई नई साड़ी पहनती हो, दिवाली में और कब पहनती हो, करवा चौथ में, उस समय देखना हमारे माता जी सही हो, उस समय देख लेना भले ही तुम्हारी घर में 100 साड़ी है तब भी बोलोगे पति को मेरे लिए साड़ी ले आ। अगर पति अगर बहाना बनाएगा ना, अरे मेरे पास समय नहीं, बोले पैसा मुझे दे दो मैं ले आऊँ, तुम बुलाने का दे दो, तुम अपना पसंद का साड़ी ले आओ, लेकिन ठाकुर जी के लिए कुछ नहीं। बोले ठाकुर का तो 2-4 ड्रेस है, लेकिन तुम्हारी कितना ड्रेस देख लो, मेरी माँ कितने कपड़ा रखे हुए हो। हाँ, इसलिए देखो भगवान की अंगुल कट गया ना, इतने में द्रौपदी ने क्या की, अपना साड़ी को फाड़ करके भगवान की अंगुल जो डैमेज कर दिया ठाकुर ने, किसने, द्रौपदी ने, कृष्ण सोच रहे हैं देखो मेरे अंगुल कट गया, तो द्रौपदी क्या किया, उसने अपना साड़ी को नहीं देखा, राज रानी उसने कीमती साड़ी नहीं देखा, साड़ी को फाड़ दी और क्या किया, मेरे अंगुल में बैंडेज कर दी, कब मैं इसकी ऋणी उतारूंगा, कब मैं ऋणी उतारूंगा, ठाकुर जी सोच रहे कब ऋणी उतारूंगा। आप लोग महाभारत देखे होंगे, जब द्रौपदी की वस्त्र हरण हो रही थी, द्रौपदी के कितने पति थे बोलो, सर्वश्रेष्ठ गांधी था अर्जुन, सर्वश्रेष्ठ गदाधारी कौन है भीम, सर्वश्रेष्ठ तलवार युद्ध में नकुल सहदेव, सर्वश्रेष्ठ भाला युद्ध में युधिष्ठिर जी महाराज। अगर किसी स्त्री के अगर पति को ज्यादा पैसा वाला होता ना, बलवान हो ना, वो छाती है ताना ये करके खोल करके चलती है, मेरे पति जानते हो कौन इतने पैसा वाला है, हम कहते हैं ना हमारे पति इतने बड़े हैं, लेकिन जिसकी 5-5 पति, उनकी बराबर भी करने वाले दुनिया में कोई नहीं थे, बताओ अर्जुन के बराबर करने वाले कोई है, कोई नहीं। लेकिन जब द्रौपदी की वस्त्र हरण हुई थी, कोई काम में आए उसकी, बताओ कोई दुनिया काम में आए, वो आंख फाड़ फाड़ कर देख रही थी ये तो कुछ बोलेंगे, कोई काम में आए उसकी, कोई काम में नहीं आए। जब कोई काम में नहीं आए, फिर सोचा यहाँ पर हमारे पितामह कौन, भीष्म बैठे हुए, द्रोणाचार्य बैठे हुए, कृपाचार्य बैठे हुए, ये तो कुछ ना कुछ बोलेंगे, उस तरफ में भी देख रही थी, लेकिन वो भी कोई काम में आए, कोई काम में आए, लेकिन काम में आए तो कौन आया लास्ट में, बोलो कौन आए, बस जब उन्होंने बोले हे गोविंद रात शरण अब तो जीवन हरि, ठाकुर जी पहले तो मैं सोच रही थी मेरे बहुत कुछ है, लेकिन काम काम का समय में कोई भी काम में नहीं आए तेरे सिवाय और कोई नहीं। उस समय क्या हुआ, ठाकुर जी स्वयं वस्त्र रूप में प्रकट होते हैं, 10 गज साड़ी खत्म नहीं हुई, 10 हजार हाथी की ताकत खत्म हो गई, भूषासन की साड़ी पहाड़ के पहाड़ जैसे हो गए, लेकिन साड़ी कभी खत्म नहीं हुई, दुनिया क्या देख रहे थे, साड़ी के बीच में कोई नारी ना, नारी एक साड़ी बनी। यहाँ क्या शिक्षा देते हैं, संसार में तुम्हारी कोई भी काम में आने वाले नहीं, वो काम में आएगा तो केवल वही आएगा। इसलिए हम कहते हैं हरिनाम करना, कुछ कुछ माताएं तो आकर माला लेकर गई आज की, लेकिन कुछ कुछ माताएं आई नहीं, बोले नहीं हमारे पति काम में आएगा, हमारी सास आएगी, हमारे ससुर आएगी, कोई भी तुम्हारी काम में नहीं आएगी, केवल भगवान का नाम ही आएगा तुम्हारे जीवन में, कोई आने वाले नहीं। अगर चाहते हो अपना कल्याण, भगवान का नाम जप करो,
भगवान की भक्ति करो, भजन करो, वही काम में आएगा और तुम्हारे कोई काम में आने वाले नहीं। और घर में जो कुछ करो सबसे पहले भगवान को देखो, सबसे पहले कहते ना दुनिया कहेंगे आप कैसे हो, बोले जब तक जेब में पैसा हो, पैसा गन तुम कौन, कुछ है तुम्हारे पास में अभी खून चूसने का है, ये संसार कैसे जानती हो। गन्ने से जूस निकाल कर कभी देखिए, गन्ने में एक बार गन्ने दे देगा जूस निकल गया, देखें और थोड़ा डबल करके फेंक देगा, फिर देखा थोड़ा जूस, फिर चार डबल करके देगा, मतलब थोड़ी सी, फिर आठ डबल करके देगा, फिर जब सारे जूस खत्म हो गया ना फिर फेंक देगा, फेंकेगा नहीं फिर जलाया उसको। ये संसार ठीक वैसे है, जो प्रीति देख रहा है ना, प्रेम देख रहे, बहु प्रेम कर रहे, नाती कर रहे हैं, सांस अभी चुके तुम्हारे अंदर में कुछ जूस है, रस है, इसलिए प्रेम तुमको दिख रहा है। ये संसार में प्रेम नाम का कोई चीज है ही नहीं, केवल स्वार्थ भरा और कुछ नहीं। अगर काम में आएगा तो कन्हैया ही काम में आएगा, कोई तुम्हारे काम में आने वाले नहीं। इसलिए किसका नाम लो, किसका भरीदर करोगे, भगवान की, उनको श्रृंगार करो, उनको भोग लगाओ, उनको नाम लो, उनकी भक्ति करो, वही केवल तुम्हारी काम में आएंगे, कोई तुम्हारी काम में नहीं आएंगे, समझ रहे हो। देखो हम जितना दूर हो सकता है तुम लोगों को समझाने के लिए कोशिश करता हूँ, अगर तुम जीवन में समझ गए ना, समझो तुम्हारी बड़ा पार हो जाएगी। इसलिए हम अपना गुरु जी से जो कुछ सिखाए हम कोशिश करते वो चीज़ तुम्हें भी देने के लिए, तुम भी ये चीज़ को लो और भगवान की भक्ति करो और जीवन में सुख में रहो और जीवन में भगवान की शांति में रहो, हम यही चाहते हैं। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। और जोर से बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे मैया लाला को जैसे माताएं पकड़ कर कैसे उछालती है ना ऊपर में, एक दिन मैया लाला को उछाल रही थी, कृष्ण सोच रहे हैं क्या कर रही मैया, थोड़ी दूर मेरे को उछाल रही है, मैं चाहता हूँ कुछ दिन पहले बड़ा बनूंगा, गली गली में मक्खन चोरी करूंगा, हैं अभी थोड़ी सी अगर कोई एरोप्लेन आ जाए ना बैठ करके थोड़ा आकाश मार्ग में घूम कर देख लूँ, अगर पता नहीं कहीं अगर पकड़ा गया किस कौन सा गली में भागूँ, है कृष्ण की ये इच्छा है। जब ऐसे मैया उछाल रही थी इतने में कंस ने एक तृणावर्त को भेज दिया, ये आंधी तूफान रूप में आ गया। कृष्ण ने देखा अगर अब मेरे को तो तृणावर्त आ गया उड़ा करके ले जाएगा, लेकिन मेरी मैया क्या करेगी, मैं तो बच जाऊंगा, लेकिन मैया क्या करेगी हैं, मैं तो बच जाऊंगा। इतने में ये कृष्ण इतने भोजन बन गए, इतने भोजन कृष्ण हो गए, मैया तो गोद में उसको पकड़ नहीं पा रही थी, फिर उन्होंने मैया ने उसको नीचे रख दिया। इतने में तृणावर्त आया आंधी तूफान रूप में, आ करके कृष्ण को सब पकड़ करके ऊपर ले करके कृष्ण पूरा आकाश में घूम गए, घूम करके अभी कृष्ण नीचे आना चाहते हैं जैसे एरोप्लेन घूमता है ना, फिर लैंड करना चाहते हैं, भैया बोले भैया नीचे कैसे आओ। इतने में जो तृणावर्त जो गले को कृष्ण ऐसे दबाया एकदम प्राण छूट गया और धड़ाम करके गिरा। मैया ने देखा लाला कहाँ, लाला कहाँ, देखा लाला दूर में पड़ा हुआ, फिर मैया ने ला करके फिर गोद में उसको दूध पिलाए, काली गैया की पूछ से झाड़ा लगवाए, राई नून को मंत्र करके छिड़काव कराए। पता नहीं मेरे लाला के ऊपर इतने अनहोने क्यों आते हैं। हाँ देखो कभी कभी ये लीला ठाकुर जी क्यों कर किया है, कहते कभी कभी देखना ध्यान देख रहे सुनो सब, इधर माताएं देखो सब मेरे तरफ में देखो, इधर उधर मत देखो, कुछ कुछ माताएं बीच बीच में बात करती हैं। मैंने कल बताया था ना, आप जिसको जानते हो उससे थोड़ा अलग और बढ़ जाओ, अगर कथा सुनना, अगर दुनिया की बात करते हो फिर पास पास में बैठो, थोड़ी समय तो संसार से निकाल करके आए, अगर यहाँ अगर बात करने लगे फिर यहाँ पर भी वहाँ देखो, मैं यहाँ सब दिख रहा है मेरे को, इसलिए कोई भी इधर उधर मत देखो, मेरे तरफ में देखो। देखो कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसे आंधी तूफान आ जाते हैं, जैसे भगवान के भजन करते हो ना, कभी कभी थोड़ी थोड़ी और विपत्ति आ जाए फिर तो हम लोग एकदम बिलबिल आ जाते हैं। अगर कोई चीज़ छोड़े नहीं छोड़े ना, सबसे पहले भगवान के भजन छोड़ दो, बोले हम भगवान की इतना भजन किया भक्ति किया, ठाकुर जी मेरे साथ में ऐसे किया, लेकिन अपना खाना नहीं छोड़ते, अपना सोना नहीं छोड़ते,
अपना घूमना नहीं छोड़ते, कुछ नहीं छोड़ते, क्या छोड़ देते हैं, क्या छोड़ देते हैं, भगवान की भजन। इसका मतलब है हम भजन छोड़ने के लिए पहले से तैयार हुए, लेकिन अपना परिवार किसको नहीं छोड़ते, प्रभु की भजन छोड़ देते हैं। इसलिए यहाँ पर कभी कभी जीवन में कभी कभी विपत्ति आती है, लेकिन अगर कोई भजन करते हुए अगर तुम्हारे जीवन में विपत्ति आ जाए, लेकिन तुम क्या समझना, ये चीज को अच्छे तरह सुन लो, ये कहानी को अच्छे तरह सुन लो। बोले एक समय दो भाई थे, कितने भाई थे, बोलो जोर से दो। कहते एक भैया तो खूब भक्ति करे और एक भैया एकदम नास्तिक, और जो नास्तिक जो मानता नहीं वो क्या करता था, जो भाई भजन करता था, माला करता था, ठाकुर को पूजा करता था, वो खिली उड़ाता था, अरे सब दिन भर क्या कर रहे हो, ये माला लेकर हरे कृष्ण कर रहे हो, ये पत्थर को सामने दिन भर बैठा हुआ, कोई काम धाम नहीं है, दिन भर बैठा रहते थे, उसको खिली उड़ाया करता था। एक दिन क्या हुआ, दोनों भाई का निमंत्रण आया, दोनों भाई निमंत्रण में जा रहे थे, जाते जाते क्या हुआ, जो भाई भजन नहीं करता था उसके एक सोने की मोहर मिल गया। बोले देख लिया तो इतना राम राम कृष्ण कृष्ण करते हुए तेरे को क्या मिला, कुछ नहीं, अरे देखो मेरे को सोना मिल गया। बोले बात तो सही है, लेकिन जब थोड़ी दूर गया ना, जो भजन नहीं करता था, जो भजन करता था उसको प्यार में इतने बड़े लोहे के सीख चुभ गए, और चुभ गए तो खून बहने लग गया, और उसको तो सुजोग मिल गया। बोले देख लिया, तुमने देख लिया, इतना दिन भर भजन करते हो, तेरे को किला क्या मिला, मेरे को क्या मिला, ये सब बेकार भजन भजन है। अभी तो दुखी हो गया, दुखी होकर के ठाकुर जी को पुकार, बोले ठाकुर दिन भर तेरा नाम लेता हूँ, भजन करता हूँ, भक्ति करता हूँ, तुम मेरे साथ में ऐसे करते हो, मेरे को सामने उनको सामने मेरे को तुम बदनामी करवा रहे हो, मेरे को हैं अपमान करा रहे हो। देखो इतने में आकाशवाणी हुई, बोले बेटा सुन लो, ये मत समझो भजन करने वालों को दुख आता है और नहीं करने वालों को सुख आता है, सुन लो तुम जीवन दोनों का जीवन, जिसको सोने की मोहर मिला है ना, ये पिछले जीवन में इतना दान, इतने दान किया था, आज का दिन उसको राज सिंहासन मिलने का था, राज सिंहासन बैठने वाला था, लेकिन मेरे और मेरे भक्त को बुराई करता है, इसलिए उसका सारे पुण्य मैंने खत्म कर दिया, खत्म करके जो सोने की ढेला दे दिया, तो उसको लेकर जा, तेरी बात सुन लो, तो पूर्व जन्म में एक मर्डर किया था, आज का दिन राज दरबार में तेरे को फांसी झूलना था, लेकिन चूंकि मेरे भजन करते हो, नाम करते हो, तेरे सारे पाप को मैंने धीरे धीरे खत्म कर रहा था, हैं भगवान का नाम कर रहा था, इसलिए तुम्हारे पाप को मैंने धीरे धीरे खत्म, थोड़ी सी बाकी रह गई थी, इसलिए एक लोहे का कांटा छुपा करके तेरे को छोड़ दिया। लेकिन लोग क्या समझते हैं, भक्ति करने वाले में तो दुख होता है, भक्त नहीं करने वाले सुख, ऐसे नहीं, कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं अर्जुन सल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महत भया, अगर मेरे लिए कोई थोड़ी सी करता है ना, मैं इसके लिए इतना करता हूँ। देखो और एक छोटी सी कहानी सुनो, भगवान के लिए थोड़ी सी करो तो ठाकुर तुम्हारे लिए कितना करते हैं। मतलब एक समय कार्तिक का महीना था, तुम लोग जो नाचती है ना, नाचने का कितना महत्व सुन लो, एक समय कार्तिक का महीना था, किसी भक्त ने भगवान के दरबार में दिया जलाया, अभी वो दिया धीरे 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 बुझते जा रहे थे, इतने में एक चूहे ने घी खाने का लोभ में आ गया, जो घी पी रहा था उसको जो दांत है ना बत्ती में लग गई, बत्ती में लग गई तो चूहा पीछे भागा, पीछे भागते ही वो जो दिया बुझने जा रहा था ना, वो दिया हो गया तेज, और उसको मुंह में थोड़ी लग गई आग, आग लगी तो दो चार बार उसने ठाकुर के सामने छलांग लगा दिया। देखो बांके बिहारी कितने दयालु, देखो कृष्ण कितने दयालु। बोले कार्तिक का महीना था और ये दिया बुझने जा रहा था, और ये चूहा ने क्या किया, दिया को तेज कर दिया और मेरे सामने दो चार बार छलांग लगाया, मानो मेरे को आरती उतारते हुए मेरे सामने उसने नृत्य किया, नाचा, जाने तो क्या फल हुआ, ये शास्त्र की पता है। अगले जीवन में वो जो चूहा राजकुमारी बनकर के जन्म ली, राजा घर में, फिर भगवान की भक्ति की, भक्ति करते करते ठाकुर उसको गोलोक वृंदावन में अपना पटरानी बनाकर के स्थान दे दिया, कि चूहा दो चार बार छलांग लगाए और तेल खाने का लोभ में, थोड़ी सी तेल खाने से दांत में लगने पर दिया तेज हो जाए तो इतने पुण्य। और तुम जो यहाँ बैठ कर कथा सुनती हो ना, सब चित्रगुप्त से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इतना इसका इतना पुण्य मिलेगा तुम जो सोच नहीं सकते हो, इतने तुमको पुण्य मिलेगी, ये बर्बाद नहीं जाएगा, समझ रहे हो। इसलिए भक्ति करने वालों को कभी दुखी नहीं होनी चाहिए,
थोड़ी मोड़ी कोई दुख आ जाए तो ये सोचनी चाहिए मेरे भाग्य में बहुत बड़ी कोई अनहोनी था, ठाकुर ने थोड़ी सी दंडत देकर हमें छोड़ दिया। ये चीज समझना, ये नहीं समझना भगवान की। एक माता जी आज मेरे घर में आएगी माला लेने के लिए, कहते मेरे पति देव क्या कहते हैं, अरे भक्ति करने बोले दुख कष्ट होता है इसलिए माला फाला मत लिया करो, दुख कष्ट होता है माला फाला, मेरे पति मना करते, लेकिन मेरे मन में तो इच्छा है ठाकुर का भजन करूँ, मैं छुपा छुपा करके मैं भजन करती हूँ, मैं छुपा छुपा करके मैं भजन करती। एक माता जी मेरे घर में माला लेकर गई, बोले मेरे भगवान की भजन करो विश्वास करके, हाँ विश्वास करके भगवान की भजन करो, अरे यही तुम्हारी काम में आएगा, कोई काम में तुम्हारे आने वाले नहीं। ठीक है बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 श्री वृंदावन बिहारी। हाँ देखो एक माता जी उस दिन आपको थोड़ी सी कथा सुनाई थी, ये भी थोड़ी कथा सुनाएगी। देखो इसलिए मैं खड़े कर रहा हूँ, कुछ कुछ माताओं को ऐसे लगता है अरे भजन करेंगे तो कैसे भजन करेंगे, हमारा बच्चे हैं, हमारा बेटे हैं, सास है, ससुर है, हम भक्ति करेंगे इसे, कभी कभी लोग सोचते हैं ना ये चीज़ को, लेकिन इसलिए हम इसको खड़े करते हैं। तुम लोग इनको देख करके कुछ सीखा लो, ये डॉक्टर है, ये डॉक्टर डॉक्टर भी क्या है, इनके दो बेटे हैं, एक आर्टिकल और एक बेटा और पढ़ाई करता है, इसका पति बहुत बड़ा नौकरी करता है, बड़ा बहुत बड़ा ऑफिस में, इसके सास हैं ससुर है, सबको देखती हैं, सबको देखती हैं, बच्चों को सबको देखती हैं, उसको साथ में भजन करती हैं, केवल भजन करती ऐसे नहीं, वहाँ पर उसने कुछ ग्रुप बनाया, ये रोज अपना घर में क्लास देती है, रोज घर में ठाकुर जी की कथा। देखो जो माता जी खड़ी हुई ना, देखो वो जो माता माता जी इधर घूम रहे, माता जी इधर देखो इस तरफ में, ये माता एक लाख हरिनाम करती है, जानते हो 64 माला करती है माता जी, 2 लाख करती है, 2 लाख करती है, मतलब 2 लाख के लिए कम से 12-14 घंटा लगेंगे, समय को बर्बाद नहीं करती, बच्चे इनके आशीर्वाद से बच्चे दोनों ही, इनका जो बेटा और बेटी दोनों ही डॉक्टर है, इनकी जो बेटा और बहू दोनों ही डॉक्टर है। बोले ठाकुर जब मेरे को इतनी कृपा की, कहते मैं जितना भगवान का नाम लेता हूँ ना संसार में इतना बढ़ोत हो रहा है, संसार में उतना, उनको बेटा बेटी दोनों ही डॉक्टर है, इनकी बेटा और बहू दोनों ही डॉक्टर है, दोनों ही डॉक्टर है। कहते जब ठाकुर मेरे को इतना कुछ किया, दिन भर में नाला में भगवान का नाम जप करती है और अंतिम समय में यही धन ही काम में आएगी, इसने ही भले इनके इनकी प्रचार से वो माता जी आएगी। और भी देखो ये वहाँ पर और एक गोपी बैठी हुई और वहाँ पर और भी दो पति पत्नी बैठी हुए थे, इन्होंने बहुत लोगों को देखो इतना भजन करती हैं और दूसरों को भी देखो जो माता जी खड़ी हुई है, मतलब ये भजन करती हैं बहुत लोगों को आस पास में इसने जोड़ी है। हम भी यही चाहते हैं तुम्हारा गाँव भगवान का धाम बन जाए, घर घर में कीर्तन हो, बच्चे शराब छोड़ दे, सिगरेट छोड़ दे, गंदी चीज करना छोड़ दे और घर घर में तुम्हारे बच्चे भगवान की भक्ति करे, तुम भी भक्ति करो और जिस घर में भगवान की भजन पूजा होना वो घर नहीं भगवान की धाम बन जाए। इसलिए सरखा के जो गांव है क्या बन जाए, घर घर भगवान की वृंदावन धाम बन जाए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो जैसे भक्ति करे संसार में। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शिलाकृ चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबसे पहले मैं अपने गुरु जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ, तत्पश्चात मंच पे आसीन महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, उसके बाद यहाँ पर उपस्थित मेरे गुरु भाई बहनों सबके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम और आप सब आए सभी श्रोतागणों को भी मेरा यथायोग्य दंडवत। हरे कृष्ण। अभी जो महाराज जी अम्मा जी के बारे में बता रहे हैं ना, तो अम्मा जी ये कहती हैं कि मैंने इतने देर से शुरू किया भजन, मेरा इतना जीवन तो बेकार चला गया, इसलिए अब मैं एक मिनट का भी समय बर्बाद नहीं करूंगी। सब लोग तो भजन में चलते हैं पर अम्मा जी भाग रही हैं, ये अम्मा जी के मन की बात है, इसलिए ये इतना ज़्यादा हरिनाम करती हैं। तो आप अगर सोचो कि हम तो बूढ़े हो गए अब क्या करें, तो अम्मा जी को देख लो, अम्मा जी ने इस उम्र में अभी भजन शुरू किया और इतना ज़्यादा हरिनाम करती हैं। और ये जो छोटी खड़ी हुई थी छोटी सी बेटी, इसके बहुत छोटे छोटे दो बच्चे हैं, अगर कोई कहे कि मैं तो इतनी छोटी हूँ अभी छोटे छोटे बच्चे हैं कैसे भजन करूँ, तो इससे सीख लो, इसके दोनों बच्चे भी माला करके स्कूल जाते हैं,
और तिलक लगाते हैं, और बेटी को 6 माला करती है और बेटा भी कितने साल का, 4 साल का बेटा 4 माला करता है और 6 साल की बेटी 6 माला। और ये भी मतलब ऐसे ही जैसे शादी में जाती है तो बच्चे ने तिलक लगा रखा होता है, इसमें भी तिलक लगा रखा होता है, तो इसकी बेटी से अगर कोई पूछ ले ये तिलक क्यों लगा के घूमती है, ये कंठी तुम लोग ऐसे क्यों घूमते हो, तो वो एक श्लोक सुनाती है, ललाटे तिलकम नास्ति गले नास्ति त्रिकंठिका हृदयम नास्ति गोविंद स नर ब्रह्म राक्षसा। ये श्लोक उसने याद कर रखा है कि जो भी उससे पूछ ले तो वो उसे मतलब बताती है कि जिसके माथे पे तिलक नहीं, जिसके गले में कंठी माला नहीं, जिसके हृदय में ठाकुर जी नहीं, वो इंसान होके भी राक्षस है, राक्षस ऐसे करके बताती है। तो उसके बाद उसे कोई पूछता नहीं फिर, नहीं तो बच्चों का छोटे को मजाक उड़ाती है ना, मजाक बनाने के उसमें कि बच्चा बैठ जाएगा फिर नहीं तिलक करेगा, वो ऐसे सबको समझाती है। तो आप सब बहुत सौभाग्यशाली हो यहाँ पर सत्संग सुनने के लिए आए हो। सत्संग की महिमा क्या है उसको एक छोटी सी कथा के माध्यम से सुनना। एक बहुत बड़ा डाकू था और उसका आखिरी समय आ गया, तो उसने अपने बेटे को बुलाया और बोला, बेटा मैं मुझे लग रहा है और ज़्यादा जीऊँगा नहीं, तो बस मेरे से तू एक ही बात मैं तेरे को कहना चाहता हूँ कि तू कभी भूल के भी सत्संग में मत चला जाइयो, अगर तू सत्संग में चला गया ना तो बस तेरा जीवन बर्बाद, कभी भी कहीं भी सत्संग हो रहा हो ना कान बंद कर लियो, आँख बंद कर लियो और वहाँ से भाग जाइयो दूर। तो उसके बेटे ने मान लिया अपने पिता की कहना कि हाँ ये तो ठीक है बेटा, कभी पिताजी कभी भी सत्संग में नहीं जाऊँगा। वो बोला, देख मैं इतना बड़ा डाकू ऐसे ही बनाऊँ, क्योंकि मैं कभी सत्संग में नहीं गया, मैं चाहता हूँ तू मेरे से भी बड़ा डाकू बने, इसलिए सत्संग में कभी मत जाइयो। तो उसके पिताजी तो चले गए। उसके बाद एक बार उसको बेटे के पीछे पुलिस लग गई, पुलिस से बचने के चक्कर में भागते 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 उसने देखा एक जगह, जैसे यहाँ पे भागवत कथा हो रही है ना ऐसे भागवत कथा हो रही थी, तो उसने देखा इतने सारे लोग हैं इनके बीच में छुप के बैठ जाता हूँ तो बच जाऊँगा पुलिस से, तो वो सिर्फ पुलिस से बचने के लिए बीच में छुप के बैठ गया। तो वहाँ पे जो कथा चल रही थी उस कथा में बताया जा रहा था कि जो स्वर्ग के लोग होते हैं उनके पाँव नहीं होते, जो स्वर्ग के लोग होते हैं उनके पाँव नहीं होते, वो चलते नहीं हैं, वो ऐसे उड़ते हैं, वो उन्होंने उसने सीख लिया। तो बस ये 2 अक्षर उसके कान में गए कि स्वर्ग के लोगों के पैर नहीं होते, वो ऐसे उड़ते हैं और उनका आँख नहीं झपकती और आँख नहीं चपकता उनका। तो वो 2 बातें उसके कान में चली गई और फिर देखा उसने पुलिस चली गई, वो बाहर जाके निकल गया। और जो उसके पास सोना था, राजा का सोना चुराया था उसने, राजा के चोर उसके पीछे थे, तो वो राजा का सोना छुपा के अपने पास लेके चला गया। तो राजा बहुत चिंतित कि ऐसा कौन सा इतना बड़ा चोर आ गया जो मेरा सोना चुरा के ले गया और मैं पकड़ नहीं पा रहा उसे। तो राजा ने बहुत सारे सिपाही भेजे पर पकड़ा में नहीं आया। तो राजा के एक मंत्री ने सलाह दी कि हम लोग ना उस चोर को चुपके से पकड़ेंगे। पता चल गया था कि ये चोर है, यही है, पर उसे कोई प्रूफ नहीं था, पकड़ नहीं पा रहे थे। तो बोले प्लानिंग करके हम इस चोर को चुपके से पकड़ेंगे। तो वो जो है ना मंत्री उस चोर को लेके आया और उन्होंने प्लानिंग करी कि यहाँ पे जो है ना ऐसे जैसे स्वर्ग बना दिया और जो राजा की जो अप्सरा वो जैसे नाचने वाली होती है उनको अप्सरा बना के खड़ा कर दिया और बिल्कुल स्वर्ग जैसा माहौल बना दिया, बड़ा सुंदर से बाग में उसको ले आए और बोले हम इसको ना शराब पिला देंगे ज़्यादा और इससे फिर उगलवा लेंगे वो सोना कहाँ है। तो उसको ज़्यादा नशा दे के और ऐसे उस बाग में ले आए और उससे ना फिर पूछने लगे कि देखो अब तो तुम मर ही गए और मर के राजा ने तुम्हें फांसी दे ही दी, वो जो तुमने नीचे सोना चुराया था ना राजा ने तुम्हें फांसी दे दी, तुम मरने के बाद ना स्वर्ग आए हो, ये देखो स्वर्ग है सारा, और अब तुम बस एक बात बता दो कि तुमने वो सोना रखा कहाँ है। तो वो ना एकदम से जैसा उसने पूछा सोना रखा कहाँ है तो उसको होश आया, उसने देखा कि सबके तो पाँव हैं यहाँ पे और सब आँख भी चपक रहे हैं। तो उसे वो सत्संग की 2 बातें याद आई कि जो स्वर्ग के लोगों के ऐसे चलते नहीं हैं, वो उड़ते हैं और उनकी आँख नहीं चपकती। तो वो एकदम से समझ गया कि ये तो राजा का ही कुछ चक्कर है। उसने
उसे कितना भी उसे बहकाने की कोशिश करी वो नहीं बहका, और फिर अंत में उसे तंग होकर मंत्री को छोड़ना ही पड़ा कि नहीं है इसके पास सोना, ये शायद हमने गलत ही पकड़ लिया। तो जब वो वहाँ से छूटा ना, उसके बाद उसने कान पकड़े और बोला, आज केवल दो अक्षर सत्संग मैंने सुना, उसकी वजह से मेरी जान बच गई। अगर मैंने सत्संग में ना सुना होता कि उनकी आंखें नहीं चपटती और वो चलते नहीं, तो मैं फटाफट से उगल देता और ये राजा मुझे पकड़ के और जेल में डाल देता, मार देता। तो ना सुनता मैं सुनना नहीं चाह रहा था, कोई मैं श्रद्धा से नहीं गया था सत्संग में, तो भी दो अक्षर ने मेरी जिंदगी बचा दी। तो आज से मैं हर जगह सत्संग में जाऊंगा और ये चोरी करना छोड़ दूंगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं सत्संग की महिमा। तो आप सब यहाँ आए हो तो आप लोग सबका जीवन जरूर बदलेगा यहाँ पे आने से। इसी तरह आप जो भी अभी आपने 6 दिन सुना है ना, उसको भूलना मत, उसको याद रखना हमेशा। जैसे उस चोर के काम आया ना बाद में भी, ऐसे जो भी आप सुन के जा रहे हो उसको हमेशा याद रखना। महाराज जी ने कैसे हरिनाम करने के लिए बोला है, कैसे भोग लगाने के लिए बोला है, आप सब भी वैसा ही करना और सत्संग की महिमा को दूसरों के भी सुनाना। हरे कृष्णा। वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत कथा मृत की जय। जय श्री राम। जल्दी सब हरे कृष्णा। हाँ देखो कृष्णा अब धीरे 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 कृष्णा बड़े होते जा रहे हैं। जब कृष्णा धीरे धीरे बड़े हुए, कोई देखो ठाकुर जी को अगर कोई भोग लगाता है, ध्यान से सुना, अगर कोई ठाकुर जी को भोग लगा करके खाता है ना, उसका कितना महिमा, इसकी कितना महिमा, ठाकुर जी कैसे उसका झोली कैसे भर देते हैं। साधारण चीज भी ठाकुर जी को खिला दो, ठाकुर जी उसको पूरा झोली कैसे भर देते हैं। भागवत में एक छोटी सी कथा आती है, कैसे एक फल बिक्री रानी कैसे फल बेचती थी और कृष्ण कैसे उसका फल खा करके उसको जो टोकरी थी ना, वो टोकरी को पूरा के पूरे हीरे जवाहरात से उन्होंने भर दिया, क्योंकि वो ठाकुर को केवल थोड़ी सी फल खिलाए, इसलिए ठाकुर जी को भोग लगाने का बड़ा महत्व। अभी हमारे प्रभु जी थोड़ी सी कथा सुना बोलो। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौर भक्तवृंद। एक बार सभी हाथ उठाकर बोलिए, बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म परम आराधितम श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरणों में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोदर्शक श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज, नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोदर्शक श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमलों का आश्रय देते हुए यहाँ पर उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी समस्त हरिकथा श्रोत मंडली को मेरा यथायोग्य प्रणाम। हम लोग आज के दिन गुरुदेव के पुखारविंद से भागवतम के अंतर्गत भगवान कृष्ण की जो बाल्य लीलाएं हैं, भगवान ने जो सुंदर सुंदर लीलाएं करी है, उसका श्रवण कर रहे हैं। कल भगवान कृष्ण के जन्म के कारण का निरूपण करते हुए हमारे प्रभु जी बता रहे थे कि अनुग्रहाय भक्तानां करोमि विविध क्रिया। भगवान ने ये जो बाल्य लीलाएं करी है, भगवान की जो सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, एकमात्र भक्तों को आनंद देने के लिए करी है। अगर भगवान ये सुंदर सुंदर लीलाएं नहीं करते तो क्या हम यहाँ बैठकर उन सबको श्रवण करते? इनको श्रवण करके जो हमारे हृदय में आनंद हो रहा है वो नहीं होता। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी जब भगवान की बाल्य लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं तो उसी क्रम में वर्णन करते हैं ये एक फल बिक्री वाली कथा। भगवान कृष्ण का कितना सुंदर स्वरूप है, उस सुंदर स्वरूप को सबने आकर्षित कर लिया है, पूरे विश्व को आकर्षित करने की बात ही छोड़ दो, भगवान स्वयं भी अपने रूप से आकर्षित हो गए हैं। क्या बताया, विस्मापनम स्वस्य च सौभगर्भे परम पदम भूषण भूषणांगम। भगवान कितने सुंदर हैं कि हम लोग अलंकार धारण करते हैं, हम लोग गहने पहनते हैं, किस लिए? हमारे शरीर को सजाने के लिए। लेकिन भगवान का शरीर अगर भगवान के श्रीअंग में अलंकार पहने हुए हैं, अगर भगवान ने
गहने पहने हुए हैं तो उससे अलंकारों की शोभा होती है। भगवान की इतना सुंदर स्वरूप है। अभी जब ब्रज की गोपियां वे सब जाती थी मथुरा में दूध दही लेकर, तब वहां जाकर उन्होंने भगवान कृष्ण के सुंदर स्वरूप का वर्णन कर दी थी। रास्ते में भगवान कृष्ण के सुंदर स्वरूप की ही बातें करती जाती थी। वहां पर एक फल बेचने वाली थी। वो फल बेचने वाली के हृदय में भी भगवान कृष्ण के दर्शन करने का लालसा हुई। इसे निकाल दो। भगवान कृष्ण के दर्शन करने की लालसा हुई। जब उस मन में भगवान कृष्ण के दर्शन करने की लालसा हुई, वह सोच रही है कि मैं तो एक छोटी जाति की औरत और कृष्ण कौन है, नंद बाबा के लड़का, वो तो नंद राजा के बेटा है, क्या वो मुझसे मिलेंगे, क्या वो मुझे दर्शन देंगे। लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण के दर्शन की लालसा से ही क्या करी, वो फल बेच रही। उसने मन मन में सोच रही है कि बच्चों को फल बड़े पसंद है, तो इसीलिए मैं क्या करूँगी, मैं नंद भवन में जाऊँगी और मैं कृष्ण के दर्शन करके आऊँगी। अभी एक दिन क्या करी, वो मथुरा से आ गई है गोकुल में और नंद बाबा के घर के बाहर आकर और चिल्ला रही है। क्या बोल रही है, बोले फल कौन लेगा, फल सबको बुला रही, जैसे फल वाले ठेली वाले बिक्री करते हैं ना, वो भी बाहर नंद भवन के बाहर आके और बोलने लगी फल कौन लेगा फल। अभी जैसे ही आवाज भगवान कृष्ण के सखाओं के कानों में गई, वहां से भगवान कृष्ण ने क्या किया, सब सखाओं को भेज दिया। सब सखा लोग बाहर आए, वो फल वाली ने उनको फल दिए, फल खाके पहले दिन चले गए। किंतु भगवान कृष्ण तब नहीं आए, कृष्ण पहले दिन नहीं आए। अभी दूसरा दिन हुआ, हताश होकर पहले दिन तो ये फल बेचने वाली चली गई, दूसरे दिन फिर आ गई, फिर ऐसे चिल्लाने लगी फल कौन लेगा फल। दूसरे दिन भी कृष्ण ने अपने सखाओं को भेज दिया लेकिन स्वयं नहीं आए। तीसरे दिन जब वो अपने घर से निकल रही है मथुरा से गोकुल की और आ रही है, मन में विचार कर रही है कि आज यदि भगवान कृष्ण के मुझे दर्शन नहीं हुए तो और मैं ये शरीर नहीं रखूंगी, मैं अपने प्राण विसर्जित कर दूंगी। मैं क्योंकि जिस शरीर से जिन आंखों से भगवान कृष्ण का दर्शन नहीं हो रहा, उस शरीर को रखने का लाभ ही क्या। ऐसे कृष्ण दर्शन की इतनी तीव्र उत्कंठा उसके हृदय में हो गई कि एकदम पागलों की भांति रोज आकर तो बोलती थी फल कौन लेगा फल, आज के बोलने लगी है, बोले गोविंद कौन लेगा गोविंद, कृष्ण कौन लेगा कृष्ण, गोपाल कौन लेगा गोपाल। इतनी कृष्ण दर्शन की लालसा में पागल हो गई कि क्या बेचने आई है वो ही भूल गई और सब समय भगवान कृष्ण के नाम का उच्चारण कर रही है। भगवान बड़े भक्तवत्सल है, भगवान बड़े भक्तवत्सल है, जान गए मेरा भक्त आज मेरे भक्त के हृदय में कितनी उत्कंठा है। इसीलिए कृष्ण अभी नंद भवन से बाहर आ रहे हैं। नंद भवन से फल वाली के को दर्शन देने के लिए जब भगवान कृष्ण आ रहे हैं, उस समय पर कुछ समय पहले हमने सुना था ना, पूतना आ गई थी, नंद बाबा ने यशोदा मैया ने बड़े पहरेदारी लगा रखी है, गोपियां मान लो कृष्ण को ही ताक रही थी कृष्ण कहीं बाहर ना चले जाएं, लेकिन कृष्ण सबकी नजर से हटाते हुए और हाथों में धान ले लिया, हाथों में गेहूं के दाने लेकर, फल बिक्री वाली को देना पड़ेगा विनिमय में, तो हाथों में धान लेते और ठुमक ठुमक के कृष्ण अभी बाहर आ रहे हैं। भगवान कृष्ण ने बड़ी सुंदर पायल पहनी है, मैया ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है, कमर में कर्दनी पहना रखी है, गले में आभूषण है, पैर में पायल पहन रखी है। अब भगवान कृष्ण जब चल रहे हैं तो नुपुर का शब्द हो रहा है, छम 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 करके नुपुर का शब्द हो रहा है। ये नुपुर भी मानो इंगित कर रहे हैं कृष्ण को, बोले कृष्ण तुम सावधान हो जाओ, अभी कुछ दिन पहले पूतना आ गई थी और क्या हर्ष हुआ तो तुमने देखा ना, अगर तुम माँ की अनुमति के बिना बाहर जाओगे हम माँ को शिकायत कर देंगे। इसलिए यहाँ पर नुपुर भी शब्द करके कृष्ण को सावधान कर रहे हैं। कृष्ण कहने लगा दारी के, मैं अपने भक्त से मिलने जाता हूँ, कृष्ण भक्तवात्सल्य है, मैं अपने भक्त से मिलना चाहता हूँ, तुम मुझे बाधा दे रहे हो। कृष्ण ने क्या किया, अपने नुपुर उठा के और पैरों की घुटने की तरफ ऊपर उठा दिए, नुपुर दब गए और अभी शब्द नहीं हो रहा है। कृष्ण अभी छोटे बच्चे हैं, ठीक से मुट्ठी बनाना भी नहीं आता, तो उन्होंने जो अंजलि बनाई है बीच में ऐसे छेद है, बीच में गैप है, तो हाथों में जो गेहूं लिया है वो भी ठीक से रख नहीं पा रहे हैं। जैसे जैसे चलते जा रहे हैं वैसे वैसे गेहूं भी गिरता जा रहा है, गिरते 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 एक रास्ता सा बन जा रहा है। अभी कृष्ण थुमक 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 के बाहर आए और जैसे ही फल वाली ने भगवान कृष्ण को देखा, कृष्ण का सुंदर स्वरूप देखकर बड़ी आकर्षित हो गई, एकदम पागलों की भांति एक टकटकी लगाकर कृष्ण को देख रही है। उनकी मंद मंद मुस्कान, सुंदर श्रृंगार, उनके गहरे नयन को देखकर बड़ी पागलों की तरह देखी जा रही है। तब कृष्ण ने उस फल वाली को बोला, बोलो मुझे फल खिलाओ, मुझे फल दे दो। वो अभी फल बेचने वाली कहने लगी, बोले तुम भी तो मुझे बिना मैंने कुछ दो, तुम भी तो बदले में मुझे कुछ दो।
कृष्ण कहने लगे, बोले तुम तो नई बात कर रही है, मैं सब गोपियों के घर में जाता हूँ, मैं मक्खन मांगता हूँ, मुझसे तो वो विनिमय में कुछ नहीं मांगती, तुम तो मुझसे बदले में कुछ मांग रही हो। तो कृष्ण यहाँ पर कहने लगी फल बेचने वाली, बोले तुम उनके घर में जाकर क्या कहते हो? कृष्ण कहते हैं, बोले मैं कहता हूँ माँ मुझे मक्खन खिला दे, मैया मुझे मक्खन खिला दे। तब ये फल बेचने वाली कहती है कि यदि तुम भी मुझे माँ बोल दोगे तो मैं भी तुम्हें फल खिला दूंगी। अभी कृष्ण यहाँ विचार कर रहे हैं, बोले फल बेचने वाली न जाने कहाँ से आई, इसकी जातियाँ कुछ ठीक नहीं, इतने गंदे वस्त्र पहन रखे हैं, मैं इसी गोद में यदि बैठूंगा, इसे माँ बोलूंगा, अगर किसी गोपी ने अभी देख लिया मेरी तो बड़ी मजाक उड़ाएगी, मेरी खिल्ली उड़ाएगी। कृष्ण अभी इधर उधर देख रहे हैं, बोले कोई देख तो नहीं रहा, क्या करे, झट से उस फल वाली की गोद में बैठे, तुरंत माँ बोला और उठ गए। कृष्ण देख रहे थे किसी ने नहीं देखा, लेकिन जो गोपियां वहां पर पहरेदारी कर रही थी सबने वो देख लिया। अभी भगवान कृष्ण, कृष्ण कौन है? अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक, वह पद्म पलाश लोचन आनंद स्वरूप, जिनकी गोद में वो बैठ जाए उसको कितना आनंद होगा, उसको कितना आनंद होगा। जब भगवान कृष्ण उसकी गोद में बैठे, वो तो पूरा अपना सर्वस्व कृष्ण को दे चुकी, वो फल सारे उसने कृष्ण को दे दिया। कृष्ण अपने हाथ में जो गेहूं लेकर आए थे, अभी सिर्फ 4-5 दाने ही रह गए हैं, सारे गेहूं तो गिर ही गए थे, वही 4-5 दाने उन्होंने उस फल वाली की टोकरी में रख दिए और सारे फल लेकर आ गए फिर से नंद भवन में। अभी मैया यशोदा को जब उन्होंने सारे फल दिए, तो मैया यशोदा कृष्ण से प्रश्न कर रही है, बोले कान्हा तुझे इतने फल किसने दे दिए, तुझे इतने फल कौन दे गया? तब वहां पर ब्रज गोपी ने जो सब देखा था कह दिया, बोले यशोदे जानती हो तुम्हारे लाला किसी एरगेरी को जाकर माँ बोला और तभी उन्होंने फल दिए हैं, वरना इतने फल कौन देगा उसे। तो यहाँ पर कह रहे हैं मैया यशोदा, कृष्ण भी सोच रहे हैं कि मैया बड़ी नाराज होगी, मैया मुझे डांटेगी, लेकिन मैया यशोदा, उनका नाम ही यशोदा है, यशोदा अर्थात यश ददाती इति यशोदा, जो सबको यश प्रदान करे। मैया यशोदा कहने लगी कि क्या हुआ, उसे माँ बोल दिया तो क्या होगा, कोई गलत बात नहीं, मेरा लाला नहीं, ये तो पूरे ब्रजवासियों का ही लाला है। कृष्ण भी प्रसन्न हो गए, बोले माँ भी मेरे पक्ष में ही है। मैया यशोदा ने वो फल अमन्या करे, ठाकुर को भोग लगाया, ठाकुर को भोग लगाकर और सभी को फल दे दिए। इस तरफ ये जो फल बेचने वाली थी, इसकी टोकरी में तो ठाकुर ने 4-5 गेहूं के दाने ही रखे थे। जब ये वापस जा रही है मथुरा की ओर, इसने देखा टोकरी तो पूरी खाली थी, पर धीरे धीरे टोकरी में इतना भार कैसे हो गया। जैसे उसने टोकरी उतार के नीचे देखी, पूरी टोकरी हीरे जवाहरात अशर्फियां सोने से भरी हुई, यह देखकर वह बड़ी क्रंदन करने लगी और रोते रोते बोल रही, बोले ठाकुर आप मुझे वंचित कर रहे हो, आप मुझे माया में फंसाना चाहते हो। उसने क्या किया, वो सारे हीरा जवाहरात को यमुना में डाल दिए और फिर कहाँ चली गई उसका कुछ पता नहीं। अर्थ क्या है, उसको साक्षात भगवान ने अपने गोलोक वृंदावन में स्थान दे दिया। इसलिए यहाँ पर कहते हैं इसमें बड़ी सुंदर सुंदर शिक्षाएं हैं, लीला के साथ साथ यदि शिक्षाएं सुनो तभी उसमें पूर्ण रस आता है। यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं कि जब भगवान कृष्ण हाथ में लेकर लक्ष्मी, हाथ में लेकर गेहूं जा रहे थे, उस समय पर सारे लक्ष्मी गिरते जा रहे थे, बोले ऐसा क्यों? क्योंकि ये गेहूं लक्ष्मी स्वरूप है, ये गेहूं लक्ष्मी स्वरूप है। मानो लक्ष्मी यहाँ पर कह रही है कृष्ण को कि कृष्ण मैं तो तुम्हारे नंद भवन में एक कोने में पड़ी हुई हूँ, तुम क्यों मुझे यहाँ से बाहर ले जा रहे हो, तुम क्यों मुझे यहाँ से बाहर देख रहे हो। भगवान कृष्ण पहले दिन नहीं आए, दूसरे दिन भी नहीं आए, तीसरे दिन भगवान आए, बोले ऐसा क्यों हुआ। यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं कि अगर कोई भगवान कृष्ण को खिलाना चाहता है तो पहले उनके भक्त को खिलाओ, पहले उनके भक्त को खिलाओ। पहले दिन सखा आए, दूसरे दिन सखा आए, जब 2 दिनों तक उस फल वाली ने सखाओं की सेवा करी, भगवान के भक्तों की सेवा करी, तब जाकर तीसरे दिन कृष्ण दर्शन हुआ, और कृष्ण दर्शन के लिए तीसरे दिन जब वो आई थी, पूरी पागलों के भांति, पूरे कृष्ण दर्शन की लालसा इतनी तीव्र हो गई थी, जिस प्रकार पागलों की भांति वो कृष्ण कृष्ण नाम ले रही थी, भगवान मानो यहाँ शिक्षा दे रहे हैं कि अगर किसी को मेरा दर्शन करना है तो उसे पागल बनना पड़ेगा। यदि चाहते हो हम संसार में भी रहें और सही सब भी करते रहें, लेकिन कृष्ण भजन हाँ बुढ़ापे में थोड़ा बहुत कर लेंगे, उससे नहीं होगा, कृष्ण को भी समय देना पड़ेगा। यदि कोई पागलों की तरह भगवान कृष्ण को पुकारे तब जाकर उनका दर्शन होता है। और सबसे मुख्य शिक्षा क्या, सबसे मुख्य शिक्षा है इस प्रकार उस फल वाली ने भगवान को फल दिए, इसलिए उपनिषद में एक श्लोक आता है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्या जगत तेन तत्त्वेन भुजिता यस्तेन मां कृता। बोल रहे हैं कि ये जगत किसने बनाया है,
ये भगवान ने बनाया ना, ये सृष्टि भगवान की है। लेकिन अगर तुम इसी सृष्टि की जो भी वस्तु है वो अगर भगवान को अर्पित करोगे, तेन त्यक्तेन भुंजिता, ये सारा जगत तो भगवान ने ही बनाया है, लेकिन अगर यही वस्तु तुम भगवान को देकर खाओगे तो क्या होगा, उससे परम मंगल होगा। यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं कि जो भी वस्तु हमारे घर में आती है वो हमें भगवान को भोग लगाना चाहिए। अगर भगवान को भोग लगाकर खाओगे तो जिस प्रकार ठाकुर ने उस फल वाली की झोली रत्नों से हीरे अशर्फियों से भर दी, उसी प्रकार हमारे घर में भी लक्ष्मी विद्यमान रहेगी, लक्ष्मी भरपूरी रहेगी। लेकिन अगर करोगे अपने स्वयं के लिए, अगर खुद के खाने के लिए सब चीज करोगे तो उससे सुखी नहीं रह सकते। इसलिए बताया ना गुरुदेव बतलाते बड़े सुंदर माध्यम से कि लक्ष्मी पैसा, जो भी हम चीज करते हैं किससे, घर में खाना बनता है या कुछ भी चीज आती है पैसा से। पैसा क्या है? लक्ष्मी। पैसा लक्ष्मी स्वरूप है ना। अभी वो लक्ष्मी, लक्ष्मी के दो वाहन है, एक तो होता है उल्लू और एक होता है गरुड़। अभी यहाँ बता रहे हैं कि अगर तुम लक्ष्मी को बुला रहे हो, लक्ष्मी को आह्वान कर रहे हो, किस लिए, बोले आओ आप, हम आपको भोग करेंगे, तो फिर क्या करेगी लक्ष्मी, उल्लू पर बैठ के आएगी, उल्लू पर बैठ के आएगी और हमको भी उल्लू बना देगी, हमको भी उल्लू बना देगी। लेकिन यदि लक्ष्मी को बुला रहे हो किस लिए, नारायण की सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए, तो फिर लक्ष्मी नारायण दोनों गरुड़ पर विराजमान होकर आएंगे हमारे घर में और हमारे घर को भी वैकुंठ बना देंगे। इसलिए शिक्षा देते हैं यहाँ पर, जो कुछ भी खाओ भगवान को भोग लगाकर, जो कुछ भी खाओ भगवान को भोग लगाकर खाओ। अभी एक चीज और यहाँ पर बतला रहे हैं कि कृष्ण ये साधारण फल वाली की गोद में बैठे क्यों, ये साधारण फल वाली की गोद में बैठे क्यों। तब यहाँ पर उसके पूर्व इतिहास को बतलाते हैं कि भगवान राम जब वे गए थे वनवास में, उस समय पर उनकी भेंट हुई किससे, कुहक चंडाल से। तो उस समय पर कुहक चंडाल अपने सारे परिवार का परिचय दे रहा है, बोले प्रभु ये मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरा भाई है। भगवान राम का सुंदर स्वरूप देखकर अभी ये जो कुहक चंडाल की माँ थी उनके हृदय में इच्छा हुई कि क्या ऐसा सुंदर बालक मुझे भी प्राप्त होगा, क्या मेरा भी ऐसा सुंदर बालक होगा जिसको मैं अपनी गोद में बिठाऊं, वो भी मुझे माँ माँ कहकर पुकारे। अभी इस स्वरूप में तो भगवान राम ने उनकी इच्छा पूर्ण नहीं करी, यही कुहक चंडाल की माँ कृष्ण लीला में यही फल वाली बन के आई है और भगवान ने इनकी गोद में बैठकर उनको आनंद प्रदान किया। इसलिए इस विषय में अनेक अनेक शिक्षाएं हैं कि तुम मुख्य शिक्षा के रूप में भगवान को भोग लगाकर, जो कुछ भी खाते हो भगवान को भोग लगाकर और बिना प्याज लहसुन के शुद्ध रूप में बनाकर भगवान को भोग लगाकर खाओ। गीता में बतलाते हैं कि प्रसादे सर्व दुखानाम हानि सुख जायते। गुरुदेव तो भोग लगाने के विषय में कितना कुछ आप लोग को पहले से ही बता चुके हैं, आज भी इसके विषय में और विस्तृत रूप में श्रवण करेंगे। मैं यही बोल के अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। कृष्ण कन्हैया की दामोदर प्रभु ने क्या, दामोदर अनिरुद्ध का अनिरुद्ध का गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय इस तरफ में, उधर तो थोड़ा जगह है, उस तरफ में, उस तरफ में तो बहुत सारी जगह है, इधर तो जगह ही जगह है। एक बार थोड़ी इस तरफ में कोई आ सकते हो, आता है थोड़ी सी खिसक जाओ उस तरफ में, जो पीछे आए वो लोग पीछे बैठ सके, थोड़ी थोड़ी खिसका खिसके सक सकते हो, थोड़ी थोड़ी आगे आ जाओ बच्चे, थोड़ी आगे आ जाओ, लगता है 12 बजे से सब जम गए, थोड़ी खिसक गए, थोड़ी थोड़ी आओ धीरे 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 आ जाओ, थोड़ी खिसक जाओ, थोड़ी थोड़ी उस तरफ में हो जा। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा।
प्रभु जी छोड़ दो, प्रभु जी हरे कृष्ण हो गया, छोड़ दो माता छोड़ दे, अपने आप खुश हो जाए। बोला श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हाँ देखो हम लोग श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन तक हम लोग ने श्रवण करेंगे, कितना दिन श्रवण करेंगे बोलो, 7 दिन तक। नियम है कुछ कथा से लो और कथा में कुछ दो, कुछ लो और कुछ दो, बोले दे किया और ले किया, बोले जितने गंदी चीज को यहाँ छोड़ करके चले जाए, बोले ले किया, बोले जितने बढ़िया बढ़िया चीज हो, जितने भक्ति की चीज हो उसको हमें ले करके जानी चाहिए और गंदी चीज को हमें छोड़ करके जानी चाहिए। कभी ये जो भागवत कथा हम सुन रहे हैं कभी इसका सार क्या है, बोले इसका जो सार है वो भगवान का नाम ही इसका सार है। इसलिए जब ये भागवत प्रारंभ हुई तब श्री सुखदेव गोस्वामी सर्वप्रथम उन्होंने नाम की महिमा बताई, और जब भागवत जब विश्राम होगा लास्ट जब खत्म होगी उसी में भी भगवान की नाम की महिमा है। प्रारंभ भगवान का नाम से और जो समाप्त है वो भी भगवान की नाम से, दोनों भगवान का नाम से शुरू है, आरंभ है और प्रारंभ। इसका मतलब है भागवत का जो सार है ठाकुर जी की नाम ही इसका सार है। सुना ध्यान दे कृष्ण इधर, हाँ अब कह के छोटी सी कथा सुनाऊंगा, ध्यान दे करके सुनो। ये कथा सुनाने का बाद है ना मैं आपको फिर मैं पूछूंगा कौन ये कथा याद किया है, और जो बोल पाएगा तो मैं इनाम दूंगा, और जो नहीं बोल पाऊंगा ना उसको बीच में खड़े कर दूंगा उसको। इसलिए ऐसे ही कथा को सुनना, जैसे सुनने का बाद ये कथा को 2 बार मेरे को सुना सके, ठीक है ना, एक मन में सुनो सबके साथ। मैं सबको पूछूंगा किसने सुना कि किसने सुना नहीं, ठीक है, अच्छे तरह से मन लगा कर सुना। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल अनिल, प्रभु जी अनिल जल्दी आ जाओ। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, आज के आनंद की जय, जय जय श्री राम, बोले जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ओम ज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं मेरे गुरु पाद पद्म श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तरीषट श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के हृदय चरण अरविंदों में दंडवत प्रणाम। तदुपरांत यहाँ उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन सभी के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। एक मैं छोटी सी कथा सुनाऊंगा, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनना, ठीक है, और मेरी तरफ देखना। एक समय एक व्यक्ति था वो बहुत गरीब था, बहुत उसके पास में पैसा नहीं था। गरीब होने के कारण किसी ने उसे बोला कि देखो हमारे शहर में एक बहुत बड़े सेठ हैं, उन सेठ के पास जाओ, वो अवश्य तुम्हारी मदद करेंगे। आप लोग ध्यान से सुनो, देखो कथा के बाद में ना मैं प्रश्न पूछूंगा, कौन उत्तर देगा, कौन कौन कथा ध्यान से नहीं सुन रहे हाथ खड़ा करो, बहुत सुंदर। कौन कौन कथा ध्यान से नहीं सुन रहे हाथ खड़ा करो, एक बार जोर से हाथ खड़ा करो, बहुत। तो कौन कौन ध्यान से सुन रहे हाथ खड़ा करो, वेरी गुड, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। तो जो व्यक्ति था वो बहुत गरीब था, तो वो जब सेठ के पास गया तो सेठ के सेठ ने बोला, बोला देखो
तुम मेरे पास मदद मांगने आए हो और तुम्हारी बात सुनकर के मेरे को लगता है कि मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए, पर मैं तुम्हारी छोटी मोटी मदद नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, अपना सारा का सारा बिजनेस किसी को दे दूंगा, तुम्हें दे दूंगा। सेठ बहुत अमीर था, उसने अपना सारा कारोबार उस व्यक्ति को दे दिया और क्या कहा, देख अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब तू ही सारे बिजनेस को संभाल। बस तुझे क्या करना है, जब महीना पूरा होगा 10% तेरा और 90% मेरा, क्योंकि सारा तो पैसा मेरा है ना, सारी प्रॉपर्टी मेरी, दुकान मेरी, बस चला तू रहा है, उसके लिए कितना रख लेना तू, 10% 90% किसका, मेरा। 10% बहुत होता है, करोड़ों का 10% तो बहुत है। वो व्यक्ति जो गरीब था वो तो खुश हो गया कि सेठ ने तो मेरे को क्या कर दिया, माला माल कर दिया। अब वो व्यक्ति जो था एक महीने बाद आया, आकर के जो 90% ला करके सेठ को दिया और 10% रखा, फिर सेठ जी को बोला, बोला सेठ जी 10% कम है, बहुत मेहनत करता हूँ मैं, देखो सारा काम मैं संभालता हूँ, 10% क्या है, बहुत कम है। एक काम करो 20-80 कर दो, 20 मेरा और 80 आपका। सेठ जी बोले कोई बात नहीं बेटा, तेरा 20% और मेरा कितना परसेंट हो गया, 80%। अब वो व्यक्ति चला गया फिर से, फिर एक महीने बाद आया, अब की बार 2 महीने बाद आया पैसे देने के लिए। सेठ जी बोले क्या हुआ भैया, लेट कैसे हो गया, बोले काम था तो लेट हो गया। बोला ठीक है, सेठ जी को ला करके उसने 80% देते से पहले बोला, बोला सेठ जी 80% में भी बात नहीं बनेगी, आप तो क्या, आपको क्या पता, आप तो घर में बैठे रहते हो, आपको क्या मालूम वहाँ इतने मजदूर हैं, उनको संभालना, उनकी सैलरी देना, इनकम टैक्स की रेट, ये वो। बोला वैसे बात नहीं बनेगी, बोला 40-60 कितना कर दिया, 60% आपका और 40% मेरा। सेठ जी बोले वाह बेटा बहुत बढ़िया, चलने दो। सेठ जी कुछ नहीं बोले, ठीक है चला दिया। फिर कुछ दिन आकर के, कुछ दिन फिर और 2-3 महीने बाद आया, आकर के बोलता, बोले सेठ जी नई बात बन रही है, 50-50 कितना, 50-50 आपका और 50। सेठ जी बोले ठीक है 50-50, पर बेटा तू काम अच्छे से करता रहे, कोई बात नहीं मैं 50 में काम चला लूंगा। थोड़े दिन आकर के बोला, बोला सेठ जी, बोला आप तो बिल्कुल भी बात नहीं बन रही, आप नहीं समझ रहे हो कंडीशन, आप बिल्कुल नहीं समझ रहे हो, आप तो क्या करते हो दिन भर घर में बैठे रहते हो, आप एक बार जा करके तो देखो लोग कितने नखरे करते, कितना मुश्किल है व्यापार को चलाना, इसलिए 80% अब मेरा और 20%। सेठ जी बोले वाह वाह शाबाश धन्य। फिर उसके बाद सेठ जी इंतजार करते रहे, 2 महीना हो गया, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल बाद आया, कितने साल बाद, 1 साल बाद आया और ला करके सेठ जी को 20% दिया, कितने परसेंट दिया, 80% किसके पास रखा, खुद के पास में। सेठ जी बोले बेटा बड़ी देर में आया, बोला ये शुक्र मनाओ कि आ गया, ये शुक्र मनाओ आ गया, और ये बताने आया हूँ कि 20 में भी बात नहीं बनेगी। अब 10% आपका और 90% मेरा। सेठ जी बोले बहुत बढ़िया बेटा, बस तू आ तो जाया कर, तूने तो आना ही बंद कर दिया, तेरे को मैंने कारोबार क्या दिया, तू तो धीरे धीरे गायब भी हो गया। बोला सेठ जी कोई बात नहीं, बस अब 90-10 हो गया है, अब तो मैं आकर के हर महीने दे जाया करूंगा। सेठ जी बोले कोई बात नहीं। सेठ जी इंतजार करते रहे, एक दिन हुआ, एक महीना हुआ, 2 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, वो व्यक्ति आया ही नहीं। ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे, जिस सेठ ने उसको सब कुछ दिया उस व्यक्ति ने कितना बड़ा धोखा किया, उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे बताओ, लालची, और क्या बोलेंगे, धोखेबाज, और क्या बोलेंगे, नमक हराम, क्या बोलेंगे, सही बात है ना, जिसका नमक खाया उसी के साथ में हराम ही कर दिया। कितने लोग बोलते कि हाँ वो व्यक्ति नमक हराम है, हाथ खड़ा करो, आपको पता है ये व्यक्ति कौन है, यही कहीं बैठा है, ये व्यक्ति हम ही लोग हैं। क्यों, क्योंकि माता के गर्भ में हम लोग वचन देकर के आए थे, ठाकुर जी आपका भजन करेंगे 24 के 24 घंटे, किसको देंगे, आपको देंगे, लेकिन जैसी भाग भार आए हैं, दूजसु तो मात गोद में हस हस दंत दिखाए, इस प्रकार से, और जो माता पिता सब उसके सब जोर जोर से बधाई गाती हैं और क्या बोलती हैं, जन्म तेरा हो लिया रे,
अब तो जादू मुसाफिर जादू। बहुत अच्छा भजन है, कभी सुनाएंगे आपको टाइम होगा तो। उसे बताया कि जन्म भी हो गया कुछ नहीं किया, बड़ा हो गया तो भी कुछ नहीं किया। कितने परसेंट देने का बोला था सेठ जी ने, क्या बोला था? पहले बोला था 10% तू रखना और मेरे को कितने देना 90%। लेकिन धीरे धीरे बोला अभी हमारा स्कूल है, हमारे पास में टाइम नहीं है, बहुत पढ़ाई है, आपको क्या पता। फिर थोड़े बड़े हो गए, कॉलेज है आप नहीं जानते। फिर थोड़े बड़े हो गए, बोले शादी बच्चे कैसे करें आपको क्या पता। वो 90 का धीरे धीरे सेठ जी की तरफ कितना हो गया 10, और उसकी तरफ कितना हो गया, लेकिन वो 10 भी देने। ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? नमक हराम, जिसको रस खान कहते हैं। जीनी दी तनु ताने दी बसराई, ऐसो नमक हरामी मौसम कुटिल खल कामी। बोला ठाकुर जी आपने तन दिया, सब कुछ दिया, खाने को दिया, पीने को दिया, कपड़ा दिया, लेकिन हम लोग सब कुछ भूल गए और आपका भजन हम नहीं करते, इसलिए हम लोग क्या हो गए, हो गए कि नहीं हो गए? कौन कौन हो गया, हाथ खड़ा करो। अरे बाबा, कोई दूसरा बोल दे तो अभी मार गाली बकबक के माता जी कान से कीड़े झाड़ दे। लेकिन अभी ठाकुर जी की बात है, भगवान की बात है, तो इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है कि भगवान का नाम हमें करना चाहिए, क्योंकि हम लोग वचन दे करके आए थे। इसलिए आप लोग अब कौन कौन संकल्प लेता है कि हाँ हम लोग अब से कम 10%, दिन का 10% कितना होता है, 24 घंटे का 10% होता है 2 घंटा 40 मिनट, 2 घंटा 40 मिनट नहीं दे सकते तो कम से कम आधा घंटा तो दे सकते हैं। इसलिए आप में से कौन कौन संकल्प लेता है कि हाँ हम आधा घंटा देंगे ठाकुर जी के लिए, माला करेंगे, करोगे ना? बोलो हाँ। बहुत सुंदर, इसलिए गुरु जी यहाँ पर है, ये हरिनाम गुरु जी से लेकर के जाना। देखो तुलसीदास जी क्या कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं अगर जीवन में सुखी होना हो तो कौन व्यक्ति हो सकता है? कमट पीट जा मही बहुबारा बंदौ सुत बरु काहु हिमारा, फूल ही नव बरु बहु विधि फूला जीवन ल सुख हरि प्रतिकूला। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कछुए की पीठ पर बाल उग गए, इस बात को मैं मान लूंगा। कछुए की पीठ पर बाल उगते कभी? कछुए की पीठ कितनी सख्त होती है। बोला उसकी पीठ पर बाल उग गए, हाँ इस बात को मैं मान लूंगा। किसी बांझ स्त्री के पुत्र ने किसी को मार दिया, इस बात को मैं मान लूंगा। किसी बांझ स्त्री को पुत्र होता है लेकिन उसके पुत्र ने किसी का मर्डर कर दिया, इस बात को मैं मान लूंगा। फूल ही नव बरु बहु विधि फूला, आसमान में फूल लगने लगे, क्या आसमान में कभी फूल लगते हैं? लेकिन आसमान में फूल लगने लगे, इस बात को भी मैं मान लूंगा। लेकिन बिना हरि भजन के संसार में कोई सुखी हो गया, इस बात को मैं कभी नहीं मानूंगा, कभी नहीं मानूंगा, कभी नहीं मानूंगा। इसलिए जीवन में अगर सुख शांति का थोड़ा अनुभव करना चाहते हो तो किसकी शरण लेनी पड़ेगी? ठाकुर जी की। और ठाकुर जी की शरण लेना माने कौन सा उपाय? एकमात्र उपाय, कोई यज्ञ हवन नहीं, केवल एक उपाय है कलयुग में, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतारा, नाम है ते हाय सर्व जगत निस्तारा, नाम बिना कली काले नहीं यार धर्म सर्व मंत्र सार, नामे व शास्त्र मर्म। सभी शास्त्रों का मर्म, सभी शास्त्रों का सार क्या है? भगवान का, बोलो भगवान का, ठाकुर जी का। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं अल्प तो अवध जीवता में बहुत सोच पोच, करीबे को बहुत कुछ पर काह काह कीजिए, वेद का है पार ना पुराणन का अंत नए, वाणी तो अनेक चित्त कहां कहां दीजिए, काव्य की कला अनंत छंद के प्रबंध बहु, रस तो रंगीले कहां कहां पीजिए, सब बातन की एक बात तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारा चाहो तो राम नाम लीजिए, सीताराम 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 कहिए, जाई भी तीरा के राम आई भी तीरा, सीताराम सीताराम जीवन में सुख चाहिए तो ठाकुर जी के नाम को
लेना चाहिए। इसलिए आप लोग सबसे हाथ जोड़ करके विनती है कि गुरु जी यहाँ पर जब तक हैं, देखो भगवान के नाम तो असर करता है, लेकिन अगर भगवान के नाम तो अगर हम गुरु जी के मुख से लेते हैं, हाँ गुरु जी जब अपने मुख से उसको कान में देते हैं तब वो गोली की तरह जाता है। जैसे बंदूक की गोली है, उसको किसी फेंक करके मारो क्या किसी को लगेगी? वो छोटी मोटी खरोच आ सकती, लेकिन उसी बंदूक की गोली को बंदूक में लगा करके मारो तो खात्मा खेल खत्म। इसी प्रकार ठाकुर जी का नाम को सीधा बिना गुरु के लेंगे थोड़ा बहुत असर तो करेगा, लेकिन अगर गुरु जी के मुख से लेंगे तो हम लोग यही बैठे बैठे नाम के प्रभाव से इस ब्रह्मांड को भेदते हुए, सारे धामों को भेदते हुए अंत में भगवान के गोलोक धाम तक जा सकते हैं। और देखिए आप लोग तो सब बहुत अच्छे लोग हैं, मैं देख रहा हूँ यहाँ के माता जी लोग सब बड़े संस्कारी हैं, सब लोग देखो सिर पर पल्लू लेकर के और सब लोग देखो तिलक लगा करके यहाँ सब बैठ करके कथा सुन रहे हैं, बहुत सौभाग्यशाली है। मैं सोचता हूँ इस गांव के जो बड़े बुजुर्ग लोग होंगे उन्होंने बहुत अच्छा संस्कार आप सबको दिया है, इसलिए आप लोग सब अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ, जोरदार ताली आप सब माता जी अपने लिए। और एक विशेष बात, जो आप कथा के बाद जो नाचते हो ना ठाकुर जी के कीर्तन में नित्य में इतना आप लोग को आनंद आता है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। लोग शादियों में तो नाचते हैं लेकिन ठाकुर जी के वहाँ पे मुर्दे की तरह खड़े रहते, सही बात है ना? लेकिन आप लोग ठाकुर जी के दरबार में भी डांस करते हो। लेकिन अभी एक काम आपको और करना है, एक काम को और करना है। देखो आप लोग तो भजन करते हो लेकिन अपने बच्चों को भी ठाकुर जी के भजन में लगाना पड़ेगा, वरना क्या होगा, आप लोग का समय तो ठीक ठाक निकल जाएगा लेकिन भारत का भविष्य किसके हाथ में है? बच्चों के ही हाथ में है। इसलिए आप लोग के बच्चे ऑलरेडी बहुत संस्कारी हैं, लेकिन हम उनको साइंटिफिक तरीके से कि कैसे हमारे जो भक्ति ग्रंथ हैं वो केवल मनोकल्पित नहीं, उनके पीछे बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान विज्ञान सब छुपा हुआ है, उन सब चीज़ों को हम आपको बताना चाहते हैं, आपके बच्चों को वो सारी शिक्षा देना चाहते हैं। इसलिए हम लोग एक दिन, हो सकता है आखिरी दिन कल, आप लोग बताओ कौन सा समय बच्चों को हम लोग क्लास देंगे, एक डेढ़ घंटे की क्लास देंगे, वो बहुत टेक्निकल क्लास होगी, अगर आपके बच्चे उस क्लास को सुनेंगे तो स्कूल कॉलेज में तो अच्छा परफॉर्म करेंगे ही करेंगे, साथ में थोड़ा थोड़ा भगवान की भक्ति भी वो करना चालू कर देंगे, क्योंकि वो समझ जाएंगे कि ये जो भक्ति की बात है ये मनोकल्पित नहीं, इसके पीछे बहुत गहरे तथ्य छुपे हुए हैं, बहुत सारे प्रूफ हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट आइज़ैक न्यूटन हो, अल्बर्ट आइंस्टीन हो, बड़े बड़े जेम्स वाट, इन सारे के सारे साइंटिस्ट, इन सारे के सारे फिलोसोफर्स ने भक्ति के बारे में क्या कहा, भगवान के बारे में क्या कहा। और हम लोग टॉपिक जो कवर करेंगे, डज गॉड एग्जिस्ट, सर्च फॉर हैप्पीनेस, क्या भगवान है, सुख की खोज है, और क्या टॉपिक लेंगे, वन गॉड और मैनी गॉड, एक भगवान है या बहुत सारे भगवान है। इसलिए ये सारे विषय अगर आप भी सीखें, अपने बच्चों को भी सिखाएं, तो धीरे धीरे लोगों की हमारे धर्म के प्रति श्रद्धा बढ़ने लगेगी। इसलिए आप लोग कौन कौन चाहते हो कि आपके बच्चे सारी बातें जाकर के सीखे, एक बार हाथ खड़ा करो माता जी। लेकिन इसमें एक शर्त है, बहुत छोटे बच्चों को नहीं भेजना, जो बच्चे थोड़े बड़े हैं ना, जैसे आठवीं नौवीं से ऊपर के जो बच्चे हैं, एट्थ नाइन्थ क्लास से लेकर के ऊपर जितने भी बच्चे हैं, उन सबको आप कल इस सेमिनार के लिए भेजना, स्थान हम अभी डिसाइड कर लेंगे, हो सकेगा तो यहीं पर ही देंगे, इसी जगह पर कल सुबह बच्चों के लिए हम क्लास रखेंगे। इसीलिए कितने बजे भेज सकते हैं, कितने बजे का टाइम सही रहेगा जब आपने बच्चों को भेज दोगे? सुबह 11 बजे कैसा रहेगा? 11 बजे कौन कौन बोलता है कि हाँ 11 बजे का टाइम ठीक है, हाथ खड़ा करो बच्चों, आप लोग बताओ क्या टाइम ठीक रहेगा? 11 ठीक है, ठीक 11 बजे आ जाओगे सब लोग, कल फ्री हो ना? ठीक है, कल 11 बजे हम लोग यहीं पर ही बैठ करके बहुत सारी बातें यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा, हरे बोल भाई। हाँ कौन कौन भेजेगा बच्चों को, भेजोगे नहीं? हाँ सबके सब बच्चों को भेजना अगर चाहते हो, और भी जो बच्चे ना अड़ोस पड़ोस में जो यहाँ नहीं आए हैं उन सबको भी बता देना कि कल हम लोग टाइम निकाल करके उन बच्चों को बहुत सारी बातें बताएंगे। कैसे अगर अगर आप चाहते हो बच्चे संस्कारी बने, हम जहाँ जहाँ जाते हैं ना एक ही बात सुनते, बच्चे बात नहीं सुनते, बच्चे बात नहीं सुनते, बच्चे बात नहीं सुनते, क्यों? उनको ऊपर कोई संस्कार हमने नहीं दिया है, इसलिए बच्चे बात नहीं सुनते। लेकिन कल ये प्रभु सुंदर कथा बोलेंगे जिसको सुन करके ना तुम्हारे बच्चे सबसे पहले सवेरे उठ कर तुम्हारी चरण छुएंगे, सबसे पहले तुम्हारी। अगर चाहते हो बच्चे हैं आवारा बन जाए, कुछ दिन बाद में बीड़ी फूकना शुरू कर दे, शराब पीना शुरू कर दे, फिर तो बच्चों को मत भेजना। अगर जो चाहते हो हमारा बच्चे का जीवन सुधर जाए, भगवान की भक्ति करे, भगवान की भजन करे, संस्कारी बने बच्चे,
पिता माता की आदर करे, फिर गुरुजन को सेवा करे, हैं, तुम्हारी बात को सुने, फिर तो बच्चे को भेजना। ठीक है, कौन कौन भेजेगा? हाथ उठाओ जोर से, कोई हाथ को उधर नहीं जा रहे, डर रहे, पता नहीं बाबा नहीं बना रहे, हाथ नहीं उठा रहे, कोई हाथ नहीं उधर, देखो हाथ उठाओ जोर से। ठीक है, कल भेजना, बच्चे बहुत संस्कारी बनेंगे। और एक और बात, ऐसा नहीं है कि ये सारा चीज काम नहीं आती, इससे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होती है, जनरल नॉलेज बढ़ता है, व्यक्ति का जो ना व्यक्तित्व में निखार आती है। ठीक है, इसलिए आप एक बात बताओ, ध्यान से सुनो माता जी, आप लोग ध्यान से सुनो। देखो मैं आपको बड़े बड़े लोगों के नाम बताता हूँ, ये लोग अध्यात्म का आश्रय लेते हैं। आजकल देखो देखो एक शिक्षा है, आप लोगों ने योगी आदित्यनाथ का नाम सुना है, तो कौन है यूपी के कौन है? मुख्यमंत्री है। लेकिन देखो वो क्या करते, भगवान का भजन करते, करते कि नहीं करते? कितने तो लोगों ने नाम सुना नरेंद्र मोदी का? कुछ लोगों ने नहीं सुना है। नरेंद्र मोदी बताते हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, वो इस बात को बोलते हैं कि मैं रोज गीता को पढ़ता हूँ। क्या करता हूँ? रोज गीता को डेली गीता को पढ़ने से ही मुझे ये सब संभालने की, सब करने की शक्ति कहाँ से आती है? गीता से आती है। इसलिए ये बड़े बड़े लोग हैं। देखो आप दुनिया में अब जितने भी लोग देख रहे हो ना फेमस, सब लोग कौन है? आपने गौर गोपाल दास का नाम सुना है? आपको पता है भारत जब विश्व के अंदर इकोसिस्टम को लेकर के, हाँ, वर्ल्ड की जो एनवायरनमेंट की हेल्थ को लेकर के इतनी बड़ी मीटिंग हुई, उसमें भारत से रिप्रेजेंटेटिव पता है किसको बुलाया था? गौर गोपाल प्रभु है किस कौन के, उनको बुलाया था। और उन्होंने जो वहां जाके बात बोली उसको सुन करके ना सारे दुनिया के लोग वहां पे हिल गए। जो बात वो बता रहे हैं, लोग सोचते हैं कि साइंटिस्ट लोग ही नेचर की रक्षा कर सकते, लेकिन उन्होंने जो उपाय बताया कि किस प्रकार अगर एक एक व्यक्ति जीवन के अंदर अपने परिवर्तन ला दे तो पूरे पर्यावरण में अपने आप ही परिवर्तन हो जाए। आप लोग सुनो ये सब बारी जा पाते जाते। इसलिए कल आना, बच्चों को भेजना, देखना वो बहुत कुछ सीखेंगे, और ये बच्चे जो भी सीखेंगे इसका सारा फल बाद में माता पिता को ही मिलेगा। हैं? 2 बजे आते हैं? कहाँ से? स्कूल से 2 बजे आते? कल कौन सा बार है? शुक्रवार है। हाँ तो अब तो छुट्टी, अब तो वैसे लॉकडाउन हो जाएगा तो वैसे भी घर में बिठा दोगे, एक दिन छुट्टी करा दो। ठीक है, एक दिन के लिए भेज दो। ठीक है, 11 से 12 के बीच में भेज देना बच्चों को यहीं पर ही। ठीक है, तो उन्होंने पूछा 11 से 12 तक ठीक, नहीं तो माता जी कहते 2 बजे तक, नहीं तो कौन कौन राजी है 2 बजे तक बच्चे आएंगे? अरे कौन कौन बोलते हैं 11 बजे आएंगे? बोलो तो 11 बजे कौन चाहते हो? 11 बजे वाले जोर से हम चला करो। कल यहाँ हवन हुई है क्योंकि हम परसों हम लोग जा नवद्वीप जा रहे हैं, वहाँ पर होली उत्सव को उपलक्ष्य में हम लोग रहेंगे नहीं, इसलिए कल 11 बजे यहाँ पर यज्ञ होगी। 11 बजे ना 10 बजे करो जी, जल्दी 10 बजे, हाँ 10 बजे यहाँ पर यज्ञ होगी। देखो जो यज्ञ है ना वो साधारण यज्ञ नहीं है, कहते ना किसको ग्रह शांति करना, किसको ऊपर काल सर्प का जोग है, किसको ऊपर कोई ग्रह की उसको ऊपर असर है, वो जो यज्ञ होगा नरसिंह भगवान की यज्ञ है, जिसमें अगर आप घर के हवन सामग्री ले आओगे, थोड़ा घी ले कर के, नहीं तो गोले लाओगे, उसमें आहुति दे सकते हो। अगर कोई घर की शांति सुख के लिए लाना चाहते हो, अगर उसमें आहुति दोगे तो तुम्हारे घर का शांति सुख बनेगा। अगर कोई ग्रह उल्टा पुल्टा ग्रह काम करता है तुम्हारे ऊपर में, उल्टा पुल्टा ग्रह का बुरा असर है, अगर उसमें डालोगे तो तुम्हारे सारे ग्रह खत्म हो जाएगी। वो भगवान नरसिंह देव का यज्ञ है, और भगवान का जो सुदर्शन चक्र है उसका ये मंत्र से यज्ञ होगी। कल 10 बजे यज्ञ है, जो आना चाहते हैं आप लोग जरूर आओ, और यज्ञ में सबके साथ बैठना। ठीक है, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, आज के आनंद की जय जय श्री राम। आप लोगों का एक छोटी स्टोरी सुनाना चाह रहा था, मन लगा कर सुनो, ये कथा के बाद में 2 बार तुमको पूरे पूछूंगा। ठीक है, एक मन से सुनो। बोले कोई एक राजा था, कहते वो राजा के 4 रानियां थी, कितना रानियां थी? जोर से बोलो, कोई कोई सुन रहे, कोई कोई उधर मन बोल रहे, कितना थी? जो सबसे जो बड़ी रानी थी, राजा उसको सबसे ज्यादा प्रेम करता था, और उसकी मन पसंद चीज को दे देकर उसको खुश रखता था। जिस समय जिस चीज की मांग करती थी उसी समय राजा लाकर उसको देता था। अभी राजा की जो दूसरी नंबर रानी थी वो देखने में बड़ी सुंदर थी,
सब लोग चाहते ना मेरी पत्नी बड़ी सुंदरी हो, वो देखने में चार रानियों में सबसे सुंदर थी। राजा जब नगर में घूमने जाता था उसको बड़ी सुंदर सजा करके श्रृंगार करके रथ में बैठा लेता था और दुनिया को दिखाया करता था, देखो ये रानी मेरी कितनी सुंदर है। राजा की जो तीसरी नंबर की रानी थी वो बड़ी मीठी मीठी बोली बोलती थी, इसलिए राजा जब घर में आता था वो तीसरी नंबर रानी के पास में बैठ करके उसकी मीठी मीठी बोली सुनता था, बड़े खुश होता था। राजा की जो चौथी नंबर की रानी थी है तो बड़ी प्यारी बड़ी अच्छी, लेकिन जब से वो अपना घर में आई तब से राजा उसको साथ में कोई मतलब नहीं रखा, कभी उससे पूछा नहीं तेरे पास में साड़ी साबुन तेल है कि नहीं, उसको कभी पूछा नहीं, बेचारी बड़ी दुखी रहती थी। अभी राजा का अंतिम समय आ गया, मरने का समय आ गया, राजा देखा मेरे चार चार रानियां हैं, इनसे पूछ करके देखता हूँ कौन कहाँ तक साथ देती है। सबसे बड़ी रानी के नंबर है, हम लोग बताओ तो सबसे बड़ी रानी कौन थी, कथा नहीं सुन रहे, इसलिए बोल रहे थे ना मैं पूछूंगा, इतने जल्दी अगर भूल जाओगी याद कैसे करोगे। बड़ी रानी कौन थी, अरे बोलो बड़ी रानी कौन थी, राजा जिसको सबसे ज्यादा प्रेम करता था, जिसकी मन पसंद चीज को दे देकर उसको खुश रखता था, याद रहेगा कि नहीं। हाँ, तब उससे पहला नंबर आई, बोले तेरे को तो मैं सबसे ज्यादा प्यार करती थी, जिस समय जो मांग करती थी बोले ब्यूटी पार्लर ले चलो, तेरे को ब्यूटी पार्लर ले जाती थी, बोले गोल गप्पे खाऊंगा दुकान में ले जाती थी, सिनेमा देखूंगा सिनेमा देखने ले जाती थी, ऐसे कपड़े पहनूंगी चलो मॉल में चल करके मन पसंद कपड़े को खरीदी कर लो, बताओ तू साथ में चलोगी कि नहीं। लेकिन वो रानी ने सबसे ज्यादा धोखे देने वाली भी थी, बोले तेरे साथ में एक कदम भी मैं नहीं चलूंगी। राजा तो बड़ी दुखी हो गए। अभी दूसरी नंबर की नंबर आई, दूसरी की दूसरी कौन थी, बोलो दूसरी कौन थी, सबसे जो सुंदर थी, बोले तू क्या करोगी तू साथ में चलोगी। लेकिन वो कहती मैं चलूंगी क्या, मैं तो देख रहा हूँ तू कब मरोगे, मैं दूसरे से शादी करूँगी। बोले दूसरे से शादी क्यों करोगी, बोले तुम पहले ही मेरे को दुनिया को दिखा करके रखा, रथ में बैठा करके दिखाया करता था ना, देखो ये मेरी पत्नी कितने सुंदरी, अरे मैं जहाँ जाऊँगी वही मेरे को पसंद कर लेगा, मैं तो दूसरे से शादी कर लूँगी। इसको तो सुन करके राजा को प्यार को नीचे जमीन ही गुजर गया, बोले ये कैसे किया है। अभी तीसरे से पूछा, तीसरी नंबर कौन थी, मीठी मीठी बोली बोलती थी है, बोले तू क्या करोगी, वो थोड़ी अच्छी निकली, बोले तेरे साथ में तो चलूंगी लेकिन दरवाजा तक चलूंगी, बोले दरवाजा तक आगे, बोले ज्यादा बोलोगे तो चार कदम तो चल सकती हूँ लेकिन तेरे साथ में नहीं जा सकती हूँ। राजा बोले तुम्हें किसी काम की नहीं। अभी चौथी रानी की नंबर आई, चौथी रानी कौन थी, बोलो जोर से, राजा जिससे कोई बात नहीं करता था, कभी पूछता नहीं था तेरे पास में साड़ी साबुन लिपस्टिक है कि नहीं, कभी उसको पूछता नहीं था। अभी उसकी नंबर आई, राजा सोच रहा है इसको पूछूं कि नहीं पूछूं, बोले क्यों, बोले जिसके लिए करोगे उसको तो पूछोगे ना, लेकिन इसके लिए तो तुमने कुछ किया ही नहीं कभी, तो जिसके लिए किया ही नहीं उसके लिए क्या पूछोगे। राजा सोचा जब रानी एक बार पूछ कर देख ही लेता, बोले तू क्या करोगे चलोगी, बोले राजा तेरे को मैं दिल से सबसे ज्यादा प्रेम करती हूँ, लेकिन तू जिन जिनियों को प्रेम कर रहा था देख लिया ना कौन कहाँ तक गई, लेकिन मैं तेरे को दिल से प्रेम करती हूँ, लेकिन दुख की बात यह है तुमने कभी जिंदगी में मेरे तरफ झांक कर भी नहीं देखा, कभी तुमने मेरे को पूछा भी नहीं तेरे पास में साड़ी साबुन तेल है कहीं, लेकिन दिल से मैं तेरे को प्रेम करती हूँ, तेरे साथ साथ में चलूंगी, सुखी में सुखी और दुखी में मैं दुखी रहूंगी। राजा तो सुन करके बोले हे भगवान, जिनके लिए जीवन दिया कोई जाने के लिए तैयार नहीं, जिनके लिए कुछ नहीं क्या वही जाने के लिए तैयार है। देखो ये जो कथा है ना कि हमारी जीवन की सच्चाई अच्छे तरह से सुन लो और कोशिश करना इसकी शिक्षा को जीवन में उतारने के लिए। कहते वो राजा और कहीं नहीं, राजा हम हैं, हमारी भी चार पत्नियां हैं, सबसे जो बड़ी पत्नी राजा जिसको सबसे ज्यादा प्रेम करता था, जिसकी मन पसंद चीज को उसको दया करता था, लेकिन अंतिम समय में वो जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। बल्कि ये पहला रानी कौन है, सबसे राजा जिसको प्रेम करता था ज्यादा, मतलब अभी जिसको हम सबसे ज्यादा प्रेम कर रहे हैं, बताओ तो आप लोग किसको ज्यादा प्रेम करते हैं, बोलो कौन, बोले हाथ किसको ज्यादा प्रेम करते हैं, किसको करते हैं,
देखो कभी जगत में प्रेम नाम का कोई चीज है ही नहीं, जगत में केवल स्वार्थ है। फिर हम किसको सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं? कहते अपने आप को, ये शरीर, ये शरीर को जो सुख देगा ना वो सब कुछ है, शरीर को जो सुख नहीं देगा वो बेकार। शरीर जब चाहता है ब्यूटी पार्लर में ले चलो उसको ले चलते हैं, बोले गोलगप्पे खिलाओ उसको खिलाएंगे, हैं ऐसे साड़ी पहना उसको पहना चलो। लेकिन जब शरीर से पूछा तू चलोगे मेरे साथ में, बताओ शरीर साथ में चलेगी? कहते जब हंसा अकेला उड़ जाएगा केवल पिंजरा पड़ा रह जाएगा। शरीर से जब परमात्मा चली जाए शरीर जहाँ के तहाँ वही रह जाती, ये शरीर साथ में नहीं देती। अभी दूसरी नंबर आई जो सबसे सुंदर, कहते सबसे सुंदरी कौन? राजा जिसको दुनिया को दिखाया करता था। कहते सबसे सुंदरी, कहते ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा बाबा सब जानते होते हैं, सबसे बड़ा रुपया, ये सबसे सुंदरी। पैसा रहेगा तब तो बढ़िया गाड़ी में घूमेंगे, पैसा रहेगा तब तो बढ़िया घर बनाएंगे, पैसा रहेगा तभी तो सुंदर कपड़े पहनेंगे ना। इसलिए लेकिन पैसा से पूछा तेरे को इतने कष्ट करके हमने कमाया साथ में चलोगी? लेकिन उसने उत्तर क्या दिया? बोले तो मैं देख रहा हूँ तू कब मरोगे मैं दूसरे से शादी करूंगी। मतलब क्या है? बच्चों का नजर कहाँ रहता है? पिताजी की। कितने प्रॉपर्टी, कितने दुकान, कितने मकान, कौन सा बैंक में कितने पैसा, उनका नजर वही रहती है। शरीर छूटते ही पैसा झट दूसरे को नाम पर ट्रांसफर हो जाती है। कहते मैं तो दूसरे से शादी कर लूंगी, जिसको पास में जाएगा वही भोग करेगा, वो पैसा भी साथ में नहीं देगा। अभी तीसरी नंबर आती है, तीसरी नंबर कौन थी बोलो? जिसकी मीठी मीठी बोली सुनकर खुश होता था, बोले ये कौन है? कहते परिवार वाले, जिनको साथ में बैठ कर दुख सुख बात करते हैं, मन की बात करते हैं। पहला नंबर पत्नी की आई, जिसको साथ फेरा लगा करके शादी किया था। पत्नी से पूछा साथ में चलोगी? बोले चलूंगी लेकिन दरवाजे तक चलूंगी। पत्नी कहाँ तक चलती है? बोले ज्यादा बोलोगे ना चार कदम तो बढ़ूंगी, तेरे साथ में चलूंगी नहीं। तब परिवार वालों से पूछा चलोगे? बोले क्यों नहीं, तेरे लिए बढ़िया रथ सजाएंगे, आरती सजाएंगे। बोले राम राम सबके करते करते ले जाएंगे। बोले कहाँ तक चलोगे? बोले शमशान तक चलोगे। बोले फिर? बोले वहीं जला करके टाटा करके फिर वापस चले आएंगे, उसको आगे नहीं चलेंगे। अभी ध्यान देकर सुनो, ये काम की बात, अगर इतनी सी बात यहाँ से लेकर गई ना तुम्हारी जीवन बदल जाएगी। राजा जिसको जीवन में कभी पूछा ही नहीं तेरे पास में साड़ी साबुन तेल है कि नहीं, लेकिन जब अंतिम समय आया तब लोग वही जाने के लिए तैयारी है। कभी ये कौन है? कहते भगवान की भक्ति, भगवान की भजन और भगवान का नाम है। अगर किसको बोलो थोड़ा माला जब करो, पर हमारा समय कहाँ है? जिसका कोई काम धाम नहीं ना उसको माला लेकर हरे कृष्ण करते रहते हैं। हमारे टीवी देखना, बात करना, बहू बेटी की बात करना, कितने सारे हमारे काम हैं, ये सब बेकार काम है। जिसका कोई काम धाम नहीं वही सब भजन भजन करते हैं, वही सब भजन करते हैं, उसको पूरा जीवन में निगलेक्ट करके रखते हैं, पूरा बेकार मान कर रखे। लेकिन जब शरीर छूटेगा, जब हमें चार व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं, आप लोगों सुने हो क्या बोलते बोलते ले जाते हैं? जोर से बोला, यही बोलते हैं ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बल गत्य है सब कोई बात झूठा। मतलब क्या? जितने तुमने राम का कृष्ण का नाम लिया केवल तेरे साथ में वही जा रहा है, इसके सिवाय तुमने जितने इकट्ठ किया ना एक सुई धागा भी तेरे साथ में नहीं जा रहे। इसलिए मीरा कहती है पायो ही मैंने राम रतन धन पायो, पायो ही मैंने राम रतन धन पायो, वास्तु अमोल का जी में सदा गुरु, वास्तु अमोल का जी में सदा गुरु, कृपा करे अपना पायो जी ये। आप लोग मीरा की वजह सब जानते हो। मीरा कहती है तुमने तुमको जीवन में मिला क्या है, तुमको जीवन में मिला क्या है? मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन, जितने मैंने राम कृष्ण का नाम लिया केवल वही मिला, नहीं तो जगह में सब ही खुबायो, जगह में सब गया। कहती धन के कहाँ से मिले? बोले दी मोरे सदगुरु कृपा करे अपनायो,
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, बोले सदगुरु से मिलता और कहीं नहीं मिलती। बोले धन कैसे है? बोले चोर नहीं लेवे, लूटे नहीं जावे, दीन दीन बड़ा तो समा। ये धन ऐसे के धन है, अगर पिताजी ये धन को कमाएगा ना, जिसको पत्नी नहीं ले सकते हैं, जिसको पत्नी कमाएगा तो जिसको बच्चे नहीं ले सकते हैं, जो कमाएगा इसी जीवन में भी आप धनी बनोगे और अगले जीवन में आप भी इसके मालिक बनोगे। इसका मालिक और कोई नहीं बन सकता है, हैं? इसलिए मीरा का और एक भजन है ना, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाओ गली गली, कृष्ण नाम के हीरे मोती में बिखराओ गली गली। आप लोग सब जानते हो, गाते हो। मीरा ये भी कहती है, तो सबसे बड़े धनी कौन? बोले जिन जिन ने ये मोती लूटे वो तो सब माला माल हो गए। बोले कौन कौन लूटे? बोले तुलसी मीरा और नरसिंह, जिनका नाम जगत में अमर हो गया है। लेकिन जो भगवान के नाम में कोई ध्यान नहीं, केवल जगत का पैसा 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 करते करते गए, बस आखिर वो कंगाल हुए, आखिर वो कंगाल हुए। इसलिए अब मेरे तरफ में देखो, ध्यान देकर देखो, एक समय श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान है, एक समय उनका भक्तों ने उनको निमंत्रण दिया, बोले प्रभु आज हमारी घर में आपका भोजन है। भगवान बोले देखो सबको घर में मैं खाना नहीं खाता हूँ। बोले किसको घर में खाते हो? बोले जो लखपति बनेगा। आज से 5.5 साल पहले, लखपति मतलब उसी समय में लखपति मतलब होता है जिसको घर में 1 लाख स्वर्ण मोहर हो। 5.5 साल पहले जिसको घर में 1 लाख स्वर्ण मोहर होगा उसको घर में खाना खाएंगे। भक्त लोग तो दुखी हो गए, बोले प्रभु हमारे घर में 100 रुपया भी नहीं। 100 रुपया मतलब जिसको घर में 100 स्वर्ण मोहर होगा, फिर हमारे घर में क्या भोजन नहीं करोगे? देखो भगवान क्या समझाते हैं, बोले जानते हो असली लखपति कौन? बोले कौन? बोले रोजाना जो 1 लाख ठाकुर जी की नाम जप करते हैं वही असली पति है। इसलिए मीरा कहती है ना, जिन जिन ने ये मोती लूटे वो सब माला माल हुए है, और माया के जो ना बनने पुजारी आखिरी होता अंगल हुए। अब मेरी तरफ में देखो, कुछ दिन पहले टीवी में आता था कौन बनेगा करोड़पति, अमिताभ बच्चन का नाम सुने हो? आता था ना कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा? अब मेरे तरफ में देखो, भगवान कहते कौन बनेगा लखपति। अब मेरी तरफ में देखो, ये माला है, अच्छे तरह से देख लो, यही भागवत का सार है, ये माला है। कैसे आप लखपति बनोगे? इसमें 108 मोती है। जब ये माला हम जप करते हैं, देखो ये अंगुल को हम बाहर रखते हैं, क्यों? ये सबसे पहले निकलता है। हम कहते ना कृपा हम देख लेंगे, तुम मेरे को क्या समझते हो? इसको काम क्रोध का प्रतीक, इसलिए इसको बाहर निकाल कर रखते हैं काम क्रोध को। लेकिन रखते हैं ये बीच वाला अंगुल के ऊपर में रख करके, जैसे हरे कृष्णा बोले ग्वार, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, बोल करे हम इसमें 1 मोती सरकाते। अच्छे तरह सीख लो, ये जीवन में यही काम तुम्हारे आएगी। बोले फिर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम 2 मोती करते 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 जब यहाँ खत्म हो जाएगा। नियम है जो बीच में ये राधा कृष्ण का रूप मानी जाती है, ये एक एक मोती नहीं, ये एक एक गोपी है। मानो बीच में राधा कृष्ण को रख कर रास कर रहे हैं, ये माला रूप में ठाकुर की है। जैसे यहाँ खत्म हो गया ना, इसको पार नहीं करना, इसको कभी पार नहीं करना, फिर ऐसे घुमा देना, घुमा करके फिर दूसरे तरफ से करना। अगर एक माला हो गया तो देखो 1 लाख कैसे होता है, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कितना बार हो गया? 16 बार हो गया। मतलब एक बार जो माला किसका या 16 बार हो गया, इसमें 108 होती है, हैं? अगर इसे 16 माला कर लिया तो हो गया 25,000, अगर 64 माला कर लिया ना कितना हो गया? 1 लाख। अभी जो माता जी खड़ी होती ना, वो बोलती मैं 2 लाख रोज करती हूँ, 2 बार 64 इसका मतलब है 2 लाख, मतलब 2 बार 64 मीटर माला करती है। इसलिए ये जो भगवान का जो नाम है उसमें इतने शक्ति, और लास्ट समय में केवल प्रभु का नाम धन ही तुम्हारे साथ में जाएगा और कोई हमारे काम में नहीं आएगा। इस 4 नंबर हम लोग अभी बताओ तो 4 रानियों में सबसे कौन सा रानी को तुम प्रेम करोगे ज्यादा? उत्तर दो जोर से बोला। बाबा सचमुच आप लोग पंडित लोग सब समझ गए। देखो जैसे तुम्हें कोई बीमारी है
किसी डॉक्टर के पास में गए हो, डॉक्टर पर्चा लिख दिया ये दवा खाओगे तो तुम्हारी बीमारी सही हो जाओगी, अगर वो पर्चा को अगर अपना पास में रखोगे क्या बीमारी सही होगी ना? दवा तुम्हें खाना पड़ेगा, दवा खुद को खाना पड़ेगा। अभी तुम्हें पता चला केवल चौधरी हानि काम में आएगा और कोई काम में नहीं आएगी, भगवान का नाम ही काम में आएगा, कोई नहीं आएगा। अगर ये पर्चा को अगर पकेट में रख लोगे फिर तुम्हारी बीमारी सही होगी, उसको दवा लेना पड़ेगा दुकान से। दवा क्या है? भगवान का नाम, ठाकुर जी की नाम। इसलिए क्या करना, कल से करना, कल कर सो, आज करो, आज कर सो आओ। इसलिए आज तो रात हो गया, कल से सवेरे नहा धो करके ठाकुर के सामने बैठ करके ये माला अगर जिनके पास में है अच्छी बात, अगर जिसके पास में नहीं होगा, अब कालू का घर में हमने कल एक दिन है, उसके बाद में दूसरे दिन तो हम 4 बजे चले जाएंगे, फिर हमारे जाना है कलकत्ता जाना है, फिर परसों तो हम रहेंगे नहीं, हम चले जाएंगे यहाँ से। इसलिए अगर जिनकी माला लेना है तो कुछ कुछ माता है आई थी लेने के लिए, अगर किसी की इच्छा होगी आ करके माला ले सकते हो, ले करके भजन करो, बच्चों को भी हरिनाम कराओ। पहले बताया था ना जिन बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता है, मन चंचल है, उनको एक एक माला जब कराया करो देखना इनका मन शांत हो जाएगा, पढ़ाई में मन लगेगा, अच्छे संस्कार भी बनेंगे। तुम भी करो, बच्चों को भी हरिनाम कराओ, ठीक है? जिसकी इच्छा होगी कल आ जाना 8-9 बजे अंदर में आ जाना, आकर के माला ले लेना, खुद भी जप करना, बच्चों को भी नाम जप कराया करो, और इसी से हमारी कल्याण और उद्धार इसी से होगी, ठीक है? श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। हाँ देखो, और भी एक चीज है, गले में जरूर तुलसी कंठी धारण करनी चाहिए, क्योंकि जो तुलसी ये लक्ष्मी है, ये कोई लकड़ी नहीं है। आप लोग तो हिंदू है, देखना क्या होता है, तुलसी के साथ में नारायण की शादी करते कि नहीं, लक्ष्मी होता ना तुलसी के साथ में नारायण की, तुलसी लक्ष्मी है, इसलिए गले में तुलसी कंठी मतलब माँ लक्ष्मी की निवास हो गई। भगवान जब ये जगत से गए अपने आप को कहाँ रख कर गए, हम कहते ना वृंदावन चलो बांके भी आज क्यों, बोले वृंदावन, वृंदा मतलब तुलसी, वन मतलब ना तुलसी का वन, वही ठाकुर जी गले में तुलसी कंठी मतलब लक्ष्मी नारायण की निवास हो गई गले। और जिनकी गले में तुलसी कंठी जो स्नान करोगे इसका पानी सारा शरीर में जाएगा, बहुत सारी बीमारी अपनी आप चली जाएगी। जिसकी गले में तुलसी कंठी जम स्वयं कहते हैं, जम तू तो कभी मेरे पास में मत लाया करो, समझना ये ठाकुर जी के भक्त हैं। और जो तिलक लगाते हैं ये तिलक को नहीं ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये जो दो है देखना ये ठाकुर का दो चरण है, उसका नीचे का भाग देखो जैसे ठाकुर जी के चरण में तुलसी देते हैं। ये जो तिलक की इतने महत्व है, भगवान राम को देखो, नारायण को देखो, कृष्ण को देखो, तिलक है कि नहीं, हनुमान जी को देखो, गणेश जी को देखो, सभी तिलक धारण करते हैं ठाकुर तक भी, और हम जो तिलक धारण करते हैं गोपियों के चरण में, ये कोई साधारण वस्तु नहीं। इसलिए जरूर तिलक लगाया करो, गले में कंठी पहनो और भगवान की नाम जप करो, बस इसलिए हमारी कल्याण होगी। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। कल है कथा की विश्राम, कथा तो कभी समाप्त होता नहीं, कल कथा की अंतिम दिन विश्राम का दिन है। कल जो होगी, कल भगवान का रासलीला होगा, अभी तो गिरिराज की पूजा करेंगे, उसके बाद में कल होगी भगवान रुक्मिणी की विवाह होगी, कल ठाकुर का शादी है। जैसे शादी में चमक धमक पहन करके जाते हैं ना, कल बढ़िया बढ़िया साड़ी पहन करके आओ। किसकी शादी होगी? बांके बिहारी की शादी, साधारण शादी नहीं, ठीक है ना? तुम्हारी शादी का जितने कपड़ा होगा सब अलमारी से निकालना, वो सब खराब हो रहा है। शादी में जो कपड़ा पहनोगे ना सब लाल लाल बढ़िया सुंदर साड़ी पहन करके आना, तो कल ठाकुर का शादी होगी ना, जैसे तैसे शादी नहीं, इसलिए बढ़िया सज्जन के बढ़िया करके आना, ठीक है? और कल सुदामा जी की भी चरित्र होगी और भगवान का रासलीला भी होगा। और कल का कथा की सबसे ज़्यादा महत्व है, जो व्यक्ति आधा सुने बीच में आए, लेकिन अगर कल का कथा कोई सुन लिया ध्यान से तो उसको 7 दिन की कथा सुनने का फल मिल जाएगा। क्योंकि जो भगवान की कथा ये कल्पवृक्ष है, कल्पवृक्ष मतलब क्या, जो कुछ मांगोगे ठाकुर जी को सब इच्छा ठाकुर पूरी कर देते हैं। कल का कथा सबसे ज़्यादा महत्व है, ध्यान देकर सुना, ऐसे नहीं कथा को बीच में आओगे फिर कथा को लास्ट में, नहीं, मैंने तो देखा कौन लास्ट में आया कौन बीच में आया। इसलिए कल कोशिश करना, केवल एक दिन के लिए आपको प्रार्थना करेंगे, कल केवल 5:30 बजे आ जाना, 5:30 बजे आ जाना, क्योंकि
हम कोशिश करेंगे ठीक समय पर कथा शुरू करके कथा को हम टाइम से कथा को हम विश्राम कर लेंगे। 5 बजे तक हम लोग बैठ जाते हैं, 5 बजे कीर्तन शुरू हो जाता है। कल ठीक है 5:30 बजे कथा हम शुरू कर देंगे हैं, और कल का कथा सुन लोगे 7 दिन कथा सुनने का फल मिलेगा। कल जैसे सिनेमा गए हो, कौन कौन सिनेमा गए हो, क्या जब शो शुरू होता है जाते हो ना बीच में जाते हो ना लास्ट में जाते हो, बताओ सिनेमा देखने कब जाते हो, अरे बोलो कितना बजे जाते हो, शो शुरू होने से पहले क्या करें लाइन में लग जाते हो, हाँ टिकट देख रहे क्या, तो टिकट भी नहीं कुछ है, फ्री है पर प्रसाद भी, अरे वहाँ तो पैसा देना पड़ेगा। अरे कल भगवान कृष्ण की शादी होगी ना, देखो कोई कोई माताएं जैसे कृष्ण रुक्मिणी के लिए साड़ी देते हैं, साड़ी देते हैं, अगर कल आप लोग बढ़िया साड़ी लाओगे ना, कल हमारा मंदिर में वृंदावन में राधा रानी है, हम राधा रानी को वो साड़ी पहनाएंगे, अगर अच्छी साड़ी दोगे तो हम सिर्फ राधा रानी को पहनाते हैं, हमारा जो मंदिर है जो ठाकुर जी है उनको हम ये साड़ी पहनाते हैं। कल भगवान कृष्ण रुक्मिणी की विवाह भी है, अगर जैसे सुदामा के लिए सुदामा 2 मीठी चिड़िया लेकर गए थे, ठाकुर त्रिभुवन का राज्य दे दिए हैं त्रिभुवन का, इसलिए अगर हो सके घर से थोड़ी थोड़ी चावल लेकर के आना, जैसे कल हम यहीं से आपको हाथ में थोड़ा थोड़ा चावल दूंगा, आप ये चावलों को अपने कपड़े में लेकर के जाना, लेकर के पीले नहीं तो लाल कपड़े में इसको बांध करके और पैसा रख करके 1-2 रुपया उसको ठाकुर जी के मंदिर में रखना, रखने पर क्या होगा जैसे 2 मुट्ठी उन्होंने चिड़वा खाए तो त्रिभुवन का राज्य दे दिया। इसलिए कल कथा के बाद में आप लोग थोड़ा थोड़ा चावल लेकर जाना और लास्ट में मैं आपको थोड़ा थोड़ा ऐसे चावल दूंगा, वो चावल को कपड़े में लेकर जाना और उसको बांध करके ठाकुर जी की मंदिर में रखना, जिनसे माँ लक्ष्मी की घर में कृपा होती है। ठीक है बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। आज लोग गांव के लगा गांव से निकल कर आए हैं, पूरा गांव चल रहा है, आज एकदम फुल चल रहा है, बहुत अच्छा। देखो अभी कथा तो महाराज जी और भी करते हैं, पर बीच में थोड़ा सा हमको विलम्ब थोड़ा बीच में रुकावट हो रही है, विशेषकर क्यों, क्योंकि आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव है श्री दुष्यंत कुमार गौतम, तो उनके पुत्र हैं जो श्री भरत गौतम जी आए हैं, इनकी फ्लाइट है, इनको जाना है, बार बार मेरे से प्रार्थना कर रहे थे, तो मैंने महाराज जी से प्रार्थना की है और रुकाए, इन्होंने हमारी जैसे मोदी जी हमारे भारतीय प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने राम मंदिर के लिए इतना परिश्रम किया है और राम मंदिर बहुत भव्य रूप में बनने जा रहा है, तो ऐसे ही ये बहुत देर से कथा भी श्रवण कर रहे हैं और कह रही बहुत अच्छा है आप लोग जो धर्म का जो प्रचार कर रहे हैं, आप इतने भक्त लोग आए यहाँ पर गांव के लोगों को बदल रहे हैं, तो ये जो हमारे भरत कुमार गौतम जी आए हैं इनकी फ्लाइट है अभी, इनको जाना है, पर मैंने इनको प्रार्थना करके बिठाता रहा और अभी मैं प्रार्थना करता हूँ भरत कुमार गौतम जी, जो दुष्यंत कुमार गौतम जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव के पुत्र हैं, वो आएंगे महाराज जी से आशीर्वाद लेंगे, प्रभु जी सामने से लेके आओ नहीं तो इधर से लेके आओ, हाँ भाई चेयर है जिससे खड़े होकर के चेयर इधर से तो चेयर माला भी देखो इसको ऊपर में पैर रखे जाए, जोरदार ताली बजाओ जैसे भगवान के राम मंदिर बने और हमारे श्री मोदी हैं उनमें जैसे मदद करे, हमारे बहुत अहोभाग्य है, लो 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 और खूब समाज का है सब समाज का सेवा करे और खूब फलते फूलते रहे और भगवान की भक्ति करे और भगवान की भक्ति में करने वाले व्यक्तियों को भी मदद करे और सबको सेवा करते रहे, ठीक है। और दूसरा अनाउंसमेंट है धीरे धीरे उसको पकड़ लो, तो आराम से पकड़ो चेयर पर, जो आज के प्रसाद की व्यवस्था है देखो लोग ज़्यादा से ज़्यादा आ जा रहे, पर इस गांव के लोग खिलाने में और ज़्यादा से ज़्यादा बना रहे और आइटम भी ज़्यादा से ज़्यादा दे रहे, कल किसी ने मैंने बताया ना 40 किलो रसगुल्ला दिया था, आज क्या 80 किलो रसगुल्ला दिया है किसने, तो अलता में आज नाम बताऊँगा, तो जो हरिओम यादव जी है उनकी पत्नी भावना यादव है
उनकी तरफ से तो पूरा प्रसाद है, पर जो 80 किलो जो रसगुल्ला दिया महाराज जी ने दिया, जो टेंट लगाया टेंट वाले भैया यशपाल जी, इनके ताली बजा जोर से। हाँ जिन्होंने आज प्रसाद दिया, क्या नाम उनका? हरिओम यादव, उनकी पत्नी भावना यादव आज ये महाराज जी से आशीर्वाद लेने के लिए आए जल्दी से। हरिओम यादव और उनकी पत्नी भावना यादव, और जो रसगुल्ला दिए यशपाल यादव, इनकी और भी बाहर बहुत महिमा है। ये टेंट लगाया था, हमने बहुत जगह टेंट वाले से बात की, इन्होंने बहुत ही कम पैसे में लगाया और बड़ा परिश्रम किया, और बोले किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत आए कभी भी हमें बताना, और आगे भी वो सामने खड़े बेचारे भैया, मैंने इनको बहुत यशपाल जी आ जाओ सामने आ जाओ, नहीं आना पड़ेगा, आ जाओ यशपाल यादव जी आए, और ये 80 किलो रसगुल्ला लाए महाराज जी, हाँ 80 किलो रसगुल्ला लाए ठाकुर जी को, इनके लिए ताली बजाओ आप लोग, तो माला दो और भोग लगाता हूँ। अभी गिरिराज जी कथा होगी, और गिरिराज जी कथा के बाद सुंदर उत्सव होगा, आनंद होगा। और कल जो महाराज जी प्रार्थना कर रहे हैं ना, कल हमारी महाराज जी की फ्लाइट है, 4:30 में निकलना है, हमारी भी ट्रेन है कल, सब लोग जा रहे हैं हम लोग भी, तो टाइम से आना, कल कथा भी जल्दी विश्राम कर देंगे 8 एकदम विश्राम, तो 5:30 से पहले ही आ जाना 5, ठीक है ना। सबसे प्रार्थना है कल कथा जल्दी खत्म होगी, ये नहीं आज एक माता जी आई 7 बोली महाराज जी आए नहीं वापस चली गई, तो ऐसे नहीं करना, क्योंकि नियम है जो कथा व्यास होते ना उससे पहले आना चाहिए, तो कीर्तन करते हैं आपके लिए, तो बेचारे 5 बैठ जाते हैं लोग, कीर्तन सुनो आने लो, कल हम भी जल्दी आ जाएंगे, जल्दी से आना, और जिस समय आप आते हो उस समय खत्म कथा विश्राम मिलेगी। हरिओम हरिओम यादव जी और भावना की पत्नी भावना जी कहाँ, भावना जी कहाँ है, आइए आगे, नाम तो बढ़िया नाम है, सचमुच भाव ही है, इधर से आ रहे हो, चेयर से आ रहे हो, चेयर से देखो, आज गिरिराज दो माला देना, दो माला, आज गिरिराज जी का अन्नकूट है, ठाकुर जी स्वयं कहते हैं, आप इधर आ जाओ, इधर माला एक पीछे रखिए, पीछे माला रखिए, ठाकुर जी स्वयं कहते हैं मेरे ये अन्नकूट महोत्सव में जो एक अन्न का दाना भी दे देता है उसको किसी जीवन में घर में अन्न वस्त्र की कमी नहीं होगी, ये स्वयं गिरिराज बताए, और आज का दिन प्रभु जी ने ठाकुर के लिए दिया, ठाकुर एकदम भंडारा भर रखे, ठाकुर जी का भंडारे को भर करके रखे, उनको पति को दे दो माला, आप पत्नी को दे दो, अरे ये माला दो, ये माला दे दो, तुम इसको पहन लो, इसको उनका दे दो, इसको पति में गला में पहना दो, पहना दो तो, हाँ पहन, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, आज के अपने रसगुल्ला भी, हाँ टेंट भी उन्होंने लगाया, वाह रे यशपाल प्रभु की जय, जय है बहुत बढ़िया, ठाकुर जी खुश पर भंडारा भर दे, ठाकुर भाई की सेवा कर, माता जी धीरे धीरे उतरो, धीरे धीरे उतरो, अभी गिरिराज की कथा होगी और बहुत बढ़िया 56 भोग आइटम मिलेगा सबको। देखो यहाँ पर जो भक्त लोग ने प्रसाद लाए हैं, सुना इधर जो प्रसाद लाए प्रभु जी पुजारी, ये सारे प्रसाद अपना एक बड़ा पात्र में इसको मिला दो भोग लगने के बाद, जैसे ये गिरिराज का प्रसाद सबको मिलनी चाहिए, और यहाँ पर जितने बिस्कुट केले जो कुछ लाए ये सब चीज को भोग लगा, तुलसी पत्ता देकर भोग लगाओ, और सबको वहाँ भेज देना, ये प्रसाद सबको पास में जानी चाहिए, ये प्रसाद सबको मिलने चाहिए, गिरिराज के प्रसाद, बोले श्री गिरिराज महाराज की जय, जय जय आनंद मेरा। देखो गिरिराज जी जितने जोर से जय दोगे क्या होगा, कल मैंने बताया था ना, जो व्यक्ति गिरिराज की परिक्रमा करते हैं, स्वयं ठाकुर जी कहते हैं मैं उसको पीछे 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 घूमता हूँ, इतने कष्ट करके मेरी परिक्रमा करता है, क्या मांगेगा, जो मांगो गिरिराज जी उसको वही दे देते हैं, और उसे गिरिराज गोवर्धन की इतने महत्व हैं, इतने महत्व है, गुरु जी कहते थे, अब गिरिराज गए हो, कौन कौन गिरिराज गए हो, हाथ उठाओ तो देखना, वहाँ पर गिरिराज शिला के ऊपर शिला रखा हुआ देखो, मतलब जिसको जितने मंजिली मकान चाहिए अगर गिरिराज में जाकर के उतना शिला के ऊपर शिला रख देना, ठाकुर जी उतना मंजिली मकान दे देते, अब जाकर देखना गिरिराज में है शिला के ऊपर शिला, अब इतना पेड़ में पेड़ बंधा हुआ, धागा बंधा हुआ देखो, बोले क्यों, बोले जिन बेटा बेटियों की शादी नहीं होती है, जिनकी नौकरी नहीं लगती है, वो सबके सब जाकर गिरिराज के अभिषेक करके मनोती रख करके आते हैं, और गिरिराज जी सब इच्छाओं को गिरिराज की पूरी कर देते हैं, बड़ी महिमा गिरिराज की, ये गिरिराज है कौन, बोले ये गिरिराज और कोई नहीं, ये स्वयं भगवान कृष्ण, आप लोग यादव है ना, यादव चतुर्वंशी है ना, वही कृष्ण ही, ये गिरिराज और कोई नहीं, एक रूप में तो पूजा करवाया और एक रूप में पूजा ग्रहण किया स्वयं करके उन्होंने स्वयं, इसलिए तुम लोग जदुवंशी, बड़ी भाग्य से ये जदुवंश में तुम लोग जन्म हुए हो,
ये भगवान की वंशधर तुम लोग हो, इसलिए गिरिराज की बड़ी महिमा। बोले श्री गिरिराज महाराज की, जो जितने जोर से जाएगा ना उसको उतना ही पाप खत्म होगा, उतना पुण्य होते होगी। और एक बार जोर से, जैसे छत उड़ जाए जोर से, बोले गिरिराज महाराज की। बैठ गए हरे कृष्णा। इसलिए गिरिराज की बोली, गिरिराज गोवर्धन आए कहा, ये गिरिराज है क्या चीज, अच्छे तरह से सुनो, ये गर्ग संहिता की कथा है। बोले एक समय गोलोक वृंदावन में श्री कृष्ण राधा जी से बोले, हे राधे मैं ये मर्त्य जगत में जाना चाहता हूँ, मेरे साथ में चलो। राधा रानी बोले मैं नहीं जाऊँगी। बोले क्यों? बोले जहाँ पर गिरिराज नहीं, जहाँ पर यमुना महारानी नहीं, जहाँ पर नंदगांव बरसाना नहीं, वहाँ जाकर क्या करूँगी। तब भगवान ने बोले, देखो राधे जब ये गोलोक वृंदावन से मैं उतरूंगा, मैं ऐसे थोड़ी उतारूंगा, पूरा ये गोलोक वृंदावन में उतार दूंगा, सबके सब मेरे साथ में, मैं भी चलूंगा, मेरे ग्वाल वाले भी चलेंगे, तू भी चलेगा, तेरे पिता माता तेरे सखियां चलेगी, सब चलेंगे। राधा रानी बोली फिर मैं तो क्या हूँ। इसका मतलब वृंदावन में जो कुछ देख रहे हो वो गोलोक वृंदावन से ही मत्स्य जगत में आए हैं। ये कोई साधारण भूमि वृंदावन धाम नहीं, अप्राकृत दिव्य है वृंदावन के धाम। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, जब किंचित तृणा गुल्म, जहाँ वहाँ कीड़े मकोड़े पेड़ पौधा, कहते ना वृंदावन के वृक्ष को मर्म ना जाने कोई, डाल डाल और पात पात में श्री राधे राधे होई। वहाँ वृंदावन धाम कोई साधारण धाम नहीं। दूसरे पुराण में आता है, ये कृष्ण की आंख से चक्षु से ये गिरिराज गोवर्धन प्रकट हुआ, और राधा रानी के हृदय से ही ये गिरिराज प्रकट हुए। बोले ये गिरिराज है कौन? इनका तीन रूप है, देखो ध्यान देकर सुना। बोले एक समय ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों कठोर तपस्या कृष्ण की थी। कृष्ण जब संतुष्ट हुए बोले ब्रह्मा को, बोले प्रभु आपके चरण की हम सेवा चाहते। बोले किस रूप में? क्या मेरा सखा सखी रूप में? बोले नहीं नहीं, हम कहाँ इतना सौभाग्य की। बोले बताओ किस रूप में? बोले अगर ब्रज वृंदावन में अगर हम पत्थर पहाड़ रूप में भी जन्म हो जाए, अगर हमारे सर के ऊपर आप लीला करें, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। देखो ब्रज की कितने महत्व है। हम लोग कभी नंदगांव गए होंगे, वो नंदगांव नहीं स्वयं भोले बाबा नंदीश्वर महादेव। बरसाना गए होंगे, ये बरसाना नहीं स्वयं ब्रह्मा जी। और जो गिरिराज गोवर्धन नहीं, ये भगवान स्वयं विष्णु, ये गिरिराज की रूप धारण के तीनों देवता ब्रज में ठाकुर जी की सेवा करने के लिए प्रकट हुए। और ये गिरिराज गोवर्धन ये भगवान कृष्ण स्वयं। और उसमें जो दूसरी जो शिक्षा है, कृष्ण ने क्या क्या, इंद्र पूजा को बंद कर दिया। इंद्र पूजा को बंद करके बोले देखो अगर पूजा करना ना, श्री बांके बिहारी की पूजा करो, गिरिराज गोवर्धन की पूजा करो, झोली फैलाना है ना, सबको सामने झोली मत फैलाओ, ऐसे व्यक्ति को साथ में झोली भरा दो तो तुम्हारी झोली को भर देंगे। बोले कौन भर देगा? बोले गिरिराज महाराज, ये कृष्ण गिरिराज और कोई नहीं, कृष्ण यहाँ शिक्षा देते हैं। देखो इसमें दूसरी शिक्षा है, बोले देखो जगत में 33 करोड़ देवता है। कितना देवता है? कितना जोर से बोले, आप बताओ कितनों को मनाओगे? एक मनाओगे ना दूसरे मुँह फुला कर बैठ जाएगा, तीसरे को मनाओगे पर चौथा मुँह फुला कर बैठ जाएगा। लेकिन ये कृष्ण ऐसे के देवता है, कहते जा पर कृपा हरि की होई ता पर कृपा करे सब। इसलिए आप महाभारत देखे होंगे, भगवान अर्जुन को विराट रूप दिखाए, अर्जुन देख मैं कौन हूँ, जिसको तुम शंकर कहे तो अच्छे तरह समझ चीज को, जिसको तुम शंकर कह रहे हो देखो शंकर मेरे अंदर में, जिसको तुम माँ देवी कहते देखो देवी मेरे में, जिसको तुम हनुमान कहते हो देखो हनुमान मेरे में, जिसको तुम गणेश कहते देखो गणेश मेरे में ही, जितने तुमको इंद्र चंद्र भाई वरुण जितने तुम्हारी 33 करोड़ देवता, जितने शनि सोम मंगल देख अर्जुन मेरे अंदर में विश्व ब्रह्मांड है। जब हम भगवान कृष्ण को चरण में प्रणाम कर दिया, किसको प्रणाम हो गया? विश्व ब्रह्मांड में 33 करोड़ देवता की पूजा होगी, क्योंकि कृष्ण के अंदर सब है ना। जब उदाहरण दिया जैसे एक पेड़ है, जब पेड़ का जड़ में पानी दे दो ना, फिर तुम्हें कहीं पानी देने का जरूरत नहीं, पेड़ हरा भरा रहेगा। जब पेट में भोजन दे दो मुंह में, सब इंद्रियां खुश हो जाती है। उसी तरह जब भगवान बांके बिहारी तुम लोग यादव है, तो कृष्ण ही तुम्हारी इष्ट है,
कृष्ण की भक्ति करे। जब तुम कृष्ण को भक्ति करोगे, कृष्ण नाम करोगे, कृष्ण को पूजा करोगे ना, क्या होगा, विश्व ब्रह्मांड में जितने सारे देवा देवी अपने आप खुश हो जाएंगे, अपने आप। हमको दर दर भटकने का कोई जरूरत नहीं, सबको सम्मान करो, किसको असम्मान नहीं करनी चाहिए, लेकिन अपना हृदय में ना, मेरे तो गिरिधर गोपाला दूसरा न कोई, हृदय में तो केवल कान्हा को बैठानी चाहिए, क्योंकि मन एक है, मन दो नहीं है। इसलिए गोपियों को जब उद्धव जी बोले, बोले ध्यान करना, बोले उद्धव ध्यान तो मन से होता है, लेकिन मन ना भयो दसदीश, एक मन सो गए श्याम संगे को आरा दे, इस मन दस किसी थोड़ी है, मन तो एक ही। लेकिन आज हम कुछ भक्त लोगों को घर में गए थे दूसरे गांव में, कौन सा गांव गाँव था, सोरखा हाँ सोरखाबाद, हम दो चार भक्तों घर में गए, वहाँ पर देखा इनके परिवार के आलू जी थे, लेकिन हम देखकर बड़े खुश हुआ, देखा घर को सामने ना केवल बंसरी वाले हैं, केवल कृष्ण को लगाए, केवल घर में राधा कृष्ण हैं, केवल घर घर में उन्होंने केवल राधा कृष्ण 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 उन्होंने देखा। मैंने खुश हो गया, भैया ये जादव सचिव से तुम लोग जादव है, क्यों कृष्ण के वंश में आए ना, जादव कृष्ण है, हाँ जदुवंश कृष्ण है, इसलिए तुम लोग जदुवंशी, तुम्हारी इष्ट भगवान कन्या है, हैं राधा रानी है, इसलिए उनको खुश करो, उनकी नाम लो, उनकी भक्ति करने से सब अपने आप तुम्हारे घर में खुश हो जाएंगे। बोले श्री गिरिराज महाराज की, बोले श्री गिरिराज गोवर्धन की। हाँ देखो, एक समय ब्रज में मैया जसोदा रात भर लड्डू कचौड़ी मालपुआ मिर्ची हे चकाचक भोजन बना रही थी, इतने में कृष्ण गए, इसलिए वहाँ पर कृष्ण गए, बोले भैया भैया ये रात भर लड्डू कचौड़ी मालपुआ क्यों क्यों बना रही हो, क्या आज मेरे जन्म तिथि, बोले नहीं, बोले क्या दाऊ भैया की, बोले नहीं, बोले फिर, बोले तू बाबा के पास में जा, मैया को पता है ना किसमें हाथ लगा देगा छोटा बच्चा झूठा हो जाएगा, ठाकुर सेवा में नहीं लगेगा, इसलिए बोले जा बाबा के पास में जा, बाबा को पूछा करो। तब उन्होंने कहाँ पर गए, नंद बाबा का गोद में बैठ गए, दाढ़ी पकड़ लिए, बोले बाबा बाबा ये मैया रात भर ये लड्डू कचौड़ी मालपुआ क्यों बना रही है, कल क्या मेरा जन्म तिथि है, बोले नहीं, बोले फिर दाऊ भैया के, बोले फिर नहीं, बोले फिर इतने धूमधाम से ये उत्सव क्यों मन रहा है। इतने में नंद बाबा बोले देख लाला, हम लोग स्वर्ग का जो राजा इंद्र उसको पूजा करेंगे। कृष्ण ने बोले बाबा इंद्र कौन है, बोले स्वर्ग का देवता, अरे इनकी अधीन में रहता है मेघ और हम लोग सबके सब ग्वाला और गैया पालन करते हैं, गैया खाते हैं घास, और घास कब होगा, बारिश होगा तभी तो होगा, नहीं तो कहाँ से होगा, इसलिए किसको हम पूजा करते हैं, इंद्र को हम पूजा करते हैं। इतने में कृष्ण ने कहा पिताजी ये बताओ, जहाँ पर जंगल है क्या वहाँ बारिश नहीं होती है, जहाँ पर पहाड़ है वहाँ क्या बारिश नहीं होती है, ये समुद्र में क्या बारिश नहीं होती है पिताजी, वो क्या इंद्र को पूजा करता है। बोले पिताजी हमने जो कर्म किया है ना वो कर्म का फल हम भोग कर रहे हैं, ये जो गिरिराज गोवर्धन देख रहे हैं वो पहाड़ नहीं बाबा, ये ब्रज की साक्षात देवता, गैया कहाँ घास खाते हैं गोवर्धन में, फल फूल हम कहाँ से मिलता गिरिराज से, बोले पानी कहाँ से मिलता, बोले गिरिराज से, ये मेघ आकर के टकराता है गिरिराज गोवर्धन में और यहाँ बारिश ही होता है। बोले बाबा हमारा जो देवता है ना ये गिरिराज बाबा हमारा देवता, बोले गिरिराज महाराज की, बोले बाबा ये गिरिराज की पूजा करो, इनकी पूजा से सबकी पूजा हो जाएगी। बोले आप बताओ कितना दिन से इंद्र पूजा कर रहे हो, बोले जब से होश आया, बोले इंद्र को जब खिला तो इंद्र खाते हुए देखे, बोले नहीं, बोले बाबा अगर गिरिराज को पूजा करोगे ना आप जो कुछ भोग लगाओगे देखोगे साक्षात रूप में ठाकुर जी ग्रहण करेंगे। बोले लाला इन्हीं आंखों से देवता दर्शन होगा, बोले और क्या बाबा, बोले फिर तो, बोले बाबा इनको स्त्री पुत्र परिवार धन दौलत क्यों मांगोगे, गिरिराज तुम्हारी सारी झोलियों को गिरिराज जी भर लेंगे। बोले लाला फिर तक हम गिरिराज पूजा करेंगे, इंद्र पूजा नहीं करेंगे। बोले पूरा ब्रज में ढिंडरा पिटवा दो, और ब्रज में 365 गांव है, कितना गांव है अभी भी देखोगे ब्रज में 365 गांव, सही तरौली बरौली ऊंचा गांव नीचा गांव हैं बैठा, वहां पर अभी भी 365 गांव देखोगे, और वहां पर जो अन्नकूट किया ना, अन्न मतलब अन्न, कूट मतलब होता है पर्वत, वहां तो चार तरह के चावल लाए, पता नहीं तुम लोग कितने तरह के चावल लाए,
देखो एक तो मीठा चावल लाओ, एक नमकीन चावल, एक फीकी चावल और एक मटर पनीर डाल के लाए चावल। कितना चावल लाए तुम लोग? और कढ़ी वहाँ पर दो तरह का कढ़ी बनाए, एक राड़ कढ़ी और एक सुहागनी कढ़ी। राड़ कढ़ी किसको कहते थे? तो बगैर पकौड़े के जो बनता है, सुहागनी कढ़ी इसमें पकौड़ा डाल करके बनाते हैं, हैं? और वहाँ पर तो जितने तरह का सब्जी दाल तो पांच तरह का दाल बना कर बुलाए, मटर की दाल, उड़द की दाल, मूंग की दाल, अरहर दाल, खोले दाल, पांच तरह का दाल लाए, जितने तरह का भाजी, जितने तरह का साग सब्जी और इतने लाए वहाँ पर। इसलिए इतने तरह का बना करके लाए, पूरा गिरिराज गोवर्धन भर गया सबके साथ। इतने में भगवान कृष्ण अपने हाथों से पुरुष सूक्त मंत्र को जरा उन्होंने गिरिराज की अभिषेक की। अभिषेक करते हुए जितने खाना लाए थे ना, सब में तुलसी पत्ता दे दिया। तुलसी पत्ता दे करके भगवान कृष्ण गिरिराज की आह्वान किया, एकदम आसनम श्री गिरिराज आय सुहा एतत् पाद्यम श्री गिरिराज उत्तम पुष्पम। और जब बोले हे गिरिराज गोवर्धन इदम सहृत नैवेद्य करणम इदम श्री गिरिराज आय सुहा, मतलब है ठाकुर जी यहाँ पर जितना दाल चावल सब्जी आया आप कृपा करके ग्रहण करो। जब उन्होंने अर्पण किया ना, वहाँ पर सतमुच से गिरिराज गोवर्धन प्रकट हो गए। प्रकट होकर के हाथ को बढ़ा बढ़ा करके गिरिराज भोजन कर रहे थे और मिनट में ना सब कुछ भोजन कर लिया। और बोले आनो रे और लाओ और लाओ। ब्रजवासी बोले ठाकुर जी हम गरीब ब्रजवासी, आप इतने में खुश रहो, हाँ इतने में प्रसन्न आप रहो। इसलिए फिर गिरिराज जी आशीर्वाद दिए, देखो आज का दिन अन्नकूट में जो एक अन्न की भोजन लगाई, कृष्ण स्वयं कह रहे एक अन्न दाना आज के जिसने भोग लगाया मैं उनको वरदान देता हूँ, तुम्हारी घर में किसी जीवन में भी अन्न वस्त्र की अभाव नहीं पड़ेगा। ये ठाकुर स्वयं बोली बात। इसलिए आज का दिन अगर आप लोगों ने किसी ना किसी तरह से कुछ लाए ना, गिरिराज गोवर्धन तुम्हारा सब समय के लिए अन्न भंडार तुम्हारी भरपूर रखेंगे। बोले गिरिराज महाराज की जय, गिरिराज गोवर्धन की जय, एकदम चकाचक गिरिराज जी। और इतने में कृष्ण का एक सखा था जो मधुमंगल, वो थोड़ा ब्राह्मण थोड़ा खाने का लोभी, बोले कन्हैया तेरे गिरिराज जी इतने भूखे थे बता, एक चावल भी थोड़ा सबसे सब खा लिया। भैया अगली साल तो गिरिराज जी हम पूजा नहीं करेंगे, हमारा तो इंद्र ही अच्छा है। जब उनको सूखा भोग लगाते ना प्रसाद, एक महीना तक तो सूखा प्रसाद खाते थे और तेरे गिरिराज ऐसे भूखे देवता सबके सब खा लिया, एक अन्न भी नहीं छोड़। बोले ऐसे मत कहा करो गिरिराज के लिए, सब आँख बंद करो। सबके सब आँख बंद किया, कितने में गिरिराज ऐसे हाथ घुमा लिया। जब घुमा लिया ना, जो एक किलो लड्डू लाए थे हो गया 2 किलो, जो 5 किलो का सूजी की हलवा वो 10 किलो हो गया, जो पूरी 2 किलो हो गया 4 किलो, जो जितने बना करके लाए थे ना सब डबल हो गए। बोले भैया गिरिराज तो कमाल का देवता है, डबल हो गया, हम तो थक गए, हमको पता चलता डबल हो जाएगा ना और हम ज़्यादा बना करके लाते हैं, हमको पता ही नहीं था। इतने में कृष्ण ने कहा भैया चकाचक भोजन करो, चलो हम सबके सब गिरिराज की परिक्रमा में चलेंगे। ठाकुर जी स्वयं, राधा रानी स्वयं, कृष्ण की जितने सखी सखाएं, जितने गैया सबके सब गिरिराज की परिक्रमा में जा रहे थे। पहले कौन जा रहे थे? जितने ब्राह्मण संत, उसको पीछे जितने गैया भी परिक्रमा की, उसको पीछे जितने पुरुष और पीछे माताएं और सबसे पीछे राधा रानी चल रही थी। जब थोड़ी दूर परिक्रमा की, राधा रानी सोच रही हैं अगर कृष्ण मेरे सचमुच से प्रियतम होंगे, मैं चाहता हूँ कृष्ण मेरे के ऊपर दर्शन दे दे। कृष्ण राधा रानी के मन की भाव को समझ गए। इतने में कृष्ण अपना जो गैया चरना लकुट थी ना उसको ऐसे जोर से फेंके, जब उन्हें छलांग लगाकर उसको पकड़ने के लिए गए ना, इतने में राधा रानी का 2 हाथ और कृष्ण का 2 हाथ मिलकर के 1 हो गया। और उनकी जो छड़ी में जिन्हें जवाहरात से जड़ा हुआ था और उसमें कृष्ण की जो परछाई उसमें झलक रहा था, और दूर से राधा रानी ने कृष्ण को दर्शन कर ली। जब और थोड़ी दूर गए, इतने में फिर राधा रानी सोच रही है क्या कृष्ण थोड़ी सी मेरे को स्पर्श करेंगे। बोले कैसे स्पर्श करूँ राधा रानी, तो पीछे में बीच में कृष्ण ने क्या किया, एक बछड़ा का मुंह पीछे करके ना पूंछ को ऐंठ दिया, वो बछड़ा खुदकते हुए पीछे पहुंच गया
इतने में कृष्ण बछड़ा का निमित्त बना करके पीछे चले गए और राधा रानी को स्पर्श कर लिया। हे राधा रानी प्रेम में गदगद हो गई, बोले श्याम सुंदर मेरे मन की भावना को समझते हैं। ऐसे करते करते गिरिराज परिक्रमा किए, हमारे बीच में श्री गोरीलाल प्रभु जी, दामोदर प्रभु जी बड़े सुंदर गिरिराज की भजन सुनाएंगे। देखो गिरिराज की भजन में जो नाच लगा ना, गिरिराज जी 84 लाख के जोड़ में नाचना को बंद कर देंगे और जो माया के सामने नाच रहे वो सब नाचना नहीं बंद हो जाएगी। अभी प्रभु जी कीर्तन करेंगे गिरिराज गोवर्धन की सबके सब। हाँ हरे कृष्णा, देखो वहाँ पर देखो हम लोग तो चले जाएंगे लेकिन हम कोशिश करेंगे बीच बीच में आने के लिए। और कल बच्चों को आप लोग कितना बजे भेजोगे, कितना बजे? हाँ 2 बजे भेजना, ठीक है बच्चों को। और हम लोग कोशिश करके जैसे बीच बीच में कभी आ गए तो जो लोग हम लोगों से माला लिया उनका हमने नाम लिखा है और उनका फ़ोन नंबर लिखा है। हाँ बीच बीच में जब कहीं यहाँ आएंगे आस पास में यहाँ आएंगे हम लोग को मैसेज करेंगे हम लोग आ रहे हैं, कभी अगर आए तो हम आना, लेकिन हम तो चले जाएंगे लेकिन हम लोग करो क्या। देखो वहाँ पर कुछ ग्रंथ है ठाकुर जी की, कुछ ग्रंथ है, अच्छी अच्छी ग्रंथ है ठाकुर जी की, सुंदर सुंदर कथा है। हम लोग वो ग्रंथों को अपना घर में ले जाना, कम से कम एक एक ग्रंथ ले जाओ। अगर वो ग्रंथ घर में रहेगा तो पढ़ोगे तो तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे, तुम भी पढ़ोगे, कम से कम हम लोग याद रखोगे। और हम भी कोशिश करेंगे इस बार तो हम परसों जा रहे हैं, अगर नहीं जाते ना हम सोच रहे थे अब सबको ले करके एक बार गिरिराज में जाने के लिए हम सोच रहे थे सबको ले करके यहाँ से गिरिराज में परिक्रमा लगाने के लिए, गिरिराज की पूजा कराने के लिए। लेकिन परसों हम जा रहे हैं, हम फिर अगर बीच में हम आएंगे तो अब सबको हम गिरिराज ले जाएंगे। कौन कौन गिरिराज जाएगा हाथ उठाओ तो। वाह अरे यहाँ के भक्त लोग बहुत अच्छे हैं, बीच में हम लोग आए थे और यहाँ पर बोलेंगे होगा तो आपको बीच में उधर वापस के बाद हम गिरिराज ले जाएंगे। प्रभु जी बोलो, बोले गिरिराज। गिरिराज महाराज के 56 भोग के दर्शन हरे हैं महाराज जी, मेरे मुँह में तो पानी आए वो महाराज, 56 भोग के दर्शन करके मेरे मुँह में तो पानी आए वो महाराज जी, पता तो पीछे बाबा बैठे हैं उनके मुँह में पानी आए वो है। पढ़ता है दाएं बाएं प्रतिमा करते हैं गिरिराज जी का प्रवासी और आम दो, इसलिए उसका नाम ग्राम आने और पड़ गया। बोलो गिरिराज महाराज की पहले ये कवि तुझे 56 भोग का इसको मेरे सुन लीजिए। खोरचन है खीर मोहन खीर सा और खुरमी खीर, खजला जलेबी कलाकंद बालू साही है, मोहन थार मेवा बाटी मठरी महसूर पाती, बाल पिला रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। आज के मुँह में पानी ना है, यहाँ पर रबड़ी की रात आ जाए तो मैं अगर नहीं जा रहा हूँ तो पहुँच जाऊँगा भैया। जय जय श्री राधे। भुजिया नमकीन सेब गाठिया सकल पर, भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाए, माधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सरसामत्री, लेके गिरिराज आज भोग में सजाओ, श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री,
Yeah.
सूत्र पढ़ना है तो मैं दही और आलू की जलेबी मिलती है वही कराई कराई मैं तो भैया करते करते मैं पूछ ही लूंगा क्योंकि चौथी मैं बोलने रख लू और भोग हो रहा है पिताजी को भोग रहे महाराज को उनको पहले खिलाएंगे उनके खाए खिलाए जाऊंगा बोले कहता है महाराज जी चतिपुरा में भोग लगा और गिरराजी का गिरधारी गोली मठ बनवाया है तो उसके भी एक बार दर्शन करना गिरधारी मठ स्वामी जय गिरिराज हरे शरण तुम्हारी आए शरण Thank you.